के बाद, दोस्तों, से एक चीज आप स्केप नहीं करना चाहेंगे स्वागत है आप सभी का हमारे इंडेस ट्वेल्व टैक्सेज ऑन इनकम के मार्क्स ऑरिए में मार्क्स ऑरिए इंडेस ट्वेल्व में हमारा फोकस पहले प्रिंसिपली कंसेप्ट बिल्डिंग होगा जिसका मेन उद्देश्य होगा कि आप एग्जाम में बड़ी आसानी से इंडेस ट्वेल्व के क्वेश्चन को हैंडल कर पाएंगे उसके बाद हम से पूरे स्टैंडर्ड को रिवाइज करेंगे टेलीग्राम पे आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं पूरा स्टैंडर्ड आपके मैचिंग प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है, जो आपसे उम्मीद रखता है एक्सपेक्ट करता है कि अब आप ये ना सोचो कि इस साल आपने जो भी इनकम बुक्स में दिखाई है उसका इनकम टैक्स में जो भी करंट ईयर में टैक्स पेबल आता है वही आपका टैक्स एक्सपेंस है क्योंकि अकाउंटिंग प्रॉफिट्स निकालने के बाद एज इट इज उन प्रॉफिट्स पर टैक्स रेट मल्टीप्लाई करके टैक्स एक्सपेंस नहीं निकाला जाता है इनकम टैक्स में कई सारे खर्चों को डिसअलाउ या डिफरेंटली अलाउ किया जाता है सिमिलरली कई सारी इनकम के पॉइंट ऑफ टैक्सेशन अलग अलग होते हैं एक एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए कंपनी का बुक्स में और टैक्स में प्रॉफिट बिफोर डिप्रिसिएशन सेम है लेकिन इस साल उसने एक पचास हजार की एसेट खरीदी जिसपे अकाउंट्स में टेन लेकिन इनकम टैक्स में थर्टी परसेंट डेट ऑफ डेप्रिसिएशन है साल के शुरू में खरीदी तो डेप्रिसिएशन अकाउंट्स में पांच हजार बुक करके प्रॉफिट बिफोर टैक्स सत्तर आया लेकिन इनकम टैक्स में आपको फिफ्टीन थाउजेंड का डिप्रिसिएशन मिल गया इसलिए प्रॉफिट जिसपे टैक्स आपको इस साल देना है वो साठ हजार ट्वेंटी फाइव परसेंट टैक्स रेट के अनुसार फिफ्टीन थाउजेंड रुपीज को आपको इस साल टैक्स पे करना है अगर ये इंडेज नहीं होता तो अपन सीधे बोलते हमारा टैक्स एक्सपेंस फिफ्टीन थाउजेंड है भले ही हमारे प्रॉफिट सत्तर हजार है सही मायने में सत्तर हजार का ट्वेंटी फाइव परसेंट होता है सेवनटीन फाइव हंड्रेड ना कि फिफ्टीन थाउजेंड तो डिफरेंस का कारण क्या है तो ढूंढने पे पता पड़ा कि इस साल कंपनी ने डेप्रिसिएशन बुक्स में पांच हजार बुक किया है लेकिन इनकम टैक्स में क्योंकि वहां पे रेट ज्यादा है उसे मैंडेटरली फिफ्टीन थाउजेंड क्लेम करना पड़ा है यानी इस साल आपने दस हज़ार रुपये का इनकम टैक्स में ज़्यादा डिडक्शन ले लिया या यूँ कह लो कि दस हज़ार रुपये इस साल टैक्स कम दे दिया पर आने वाले सालों में आपको अकाउंट्स में डेपरी ज्यादा बुक करना होगा क्योंकि पचास हज़ार की एसेट अल्टीमेटली उसकी पूरी यूजफुल लाइफ में पूरी पचास हज़ार डप्रीशिएट होगी रेसिडियल वैल्यू छूट जाएगी तो भी आप जब एसेट बेचोगे तो उसे एक्सपेंस बुक किया जाएगा यानी अल्टीमेटली अकाउंट्स और टैक्स दोनों में जो आपकी कॉस्ट है असेट की फिफ्टी थाउजेंड उसी का खर्चा बुक होना है फ़र्क यह है कि हो सकता है कि आज अकाउंट्स में खर्चा थोड़ा और टैक्स में ज़्यादा बुक हो आने वाले सालों में टैक्स में थोड़ा और अकाउंट्स में ज़्यादा बुक हो अल्टीमेटली फिफ्टी थाउजेंड दोनों में बुक होगा इस इसका सिंपल सा लॉजिक है कि आप ये देख लीजिए कि अकाउंटिंग और टैक्स में जो आप प्रॉफिट निकाल रहे हैं इन दोनों में डिफरेंस के क्या कारण है और वो जो भी कारण है उन कारण के ऊपर आप डिफर्ट टैक्स असाइट या लाइबिलिटी बना सकते हैं क्या बनना चाहिए सिंपल प्रिंसिपल दिमाग में रखना है तो आप यह सोचो हर वो चीज जिससे आपकी इनकम टैक्स आप में ज्यादा अवेल किया इंडिया इसका यह लॉजिक है कि भैया मैचिंग प्रिंसिपल के अनुसार इनकम बुक होती है तो एसोसिएटेड खर्चा बुक होना चाहिए टैक्स सेविंग बुक हुई है तो खर्चा बुक होना था पर आपने टैक्स का खर्चा सॉरी आपने डेप्रिसिएशन का खर्चा पांच हजार ही बुक किया है पर आप टैक्स सेविंग फिफ्टीन थाउजेंड ऑफ डेपरी पे ले रहे हो तो आपने जो दस हजार के एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन पे इस साल टैक्स वाकई सेव किया है वो परमानेंट सेविंग नहीं है आने वाले सालों में देना पड़ेगा तो आपने वो जो टैक्स इस साल कम पे किया है आप उतने से अपने टैक्स एक्सपेंस को बढ़ा दो पर आपको अभी पे नहीं करना है तो इस टैक्स एक्सपेंस को आप करंट टैक्स पेबल की बजाय डेफर्ट टैक्स पेबल के नाम से बुक करना दिस ब्रिंग्स यू टू द कॉन्सेप्ट ऑफ डेफर्ट टैक्स लाइबिलिटी सिंपली दस हजार रुपए पर आज आपने टैक्स कम पे किया है ट्वेंटी फाइव हंड्रेड का तो आप उतने रुपए का टैक्स एक्सपेंस बढ़ा दो इन द नेम ऑफ डेफर टैक्स लाइबिलिटी एंट्री होगी टैक्स एक्सपेंस डेबिट टू डेफर टैक्स लाइबिलिटी खत्म तो आपका इस साल का टैक्स एक्सपेंस होगा ट्वेंटी फाइव हंड्रेड वुड बी और डेफर टैक्स एक्सपेंस करगा पंद्रह हजार टोटल टैक्स एक्सपेंस विल बी सत्रह हजार पांच सौ विच इज ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑफ योर प्रॉफिट बिफोर सपोज नेक्स्ट ईयर आपने ये डेप्रिसिएशन अकाउंट्स में चार्ज कर दिया और टैक्स में एलचे आपने जो भी डेप्री किया उससे अकाउंट्स में दस ज्यादा चार्ज किया तो अगले साल आपकी टैक्स लाइबिलिटी जो आएगी उसमें सिर्फ आपको डेप्रिसिएशन ये जो दस हज़ार आपने चार्ज किया इसका क्लेम नहीं करने मिलेगा तो आपका टैक्स एक्सपेंस बढ़ा हुआ आएगा नो प्रॉब्लम आप ये मान लेना कि आपकी पुरानी डेफ टैक्स लाइबिलिटी आपने उस साल पे कर दी तो आइडियली स्पीकिंग दो तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे एक ऐसा क्वेश्चन होता है जिसमें आपको सिर्फ इनकम एक्सपेंस जो अकाउंट्स और टैक्स में बुक हुई है और नहीं हुई है यानी कि अकाउंट्स में ही है टैक्स में नहीं है या वाइस ऑफरसा उसकी इंफॉर्मेशन देंगे और उसके बेसिस पे आपको डिफर्ट टैक्स कैलकुलेट करना होगा साथ ही साथ में करंट टैक्स बताना होगा एक सिंपल से क्वेश्चन से आपको बताता हूँ किस तरह के ये क्वेश्चन आ सकते हैं आर टीपी नवेंबर ट्वेंटी टू का एक सिंपल क्वेश्चन है क्वेश्चन पूरा सॉल्व नहीं कर रहे क्वेश्चन में आप कई सारी इंफॉर्मेशन के बाद देखेंगे यहाँ प्रॉफिट बिफोर टैक्स है और ये टैक्स एक्सपेंस है आगे इंफॉर्मेशन आपको क्या पूछा है क्वेश्चन में वो डिस्कस नहीं कर रहे हैं टैक्स रेट थर्टी परसेंट दिया और बोला है कि अदर इनकम में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दस करोड़ का है जो दस परसेंट से टैक्सेबल है तो सीधी सी बात है कि फाइव नाइन्टी फोर पे थर्टी परसेंट आपकी टैक्स लाइबिलिटी बनती अगर अकाउंट्स में और टैक्स पे सारी चीजें एक समय पे एक साथ असेस होती और सारी इनकम पे तीस परसेंट ही टैक्स लगता पर अगर कोई एक्सपेंस डिडक्टेबल नहीं हुआ तो फिर आपकी टैक्स लाइबिलिटी इससे भी ज़्यादा हो जाएगी कोई इनकम टैक्स में ज़्यादा डिडक्शन मिल गया तो आपकी टैक्स लाइबिलिटी उससे कम हो जाएगी तो इससे कई सारे एडजस्टमेंट दिए हैं तो जैसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दस करोड़ अदर इनकम में शामिल है जो दस परसेंट से ही टैक्स हुआ है तो ये इसमें शामिल है कितने का है दस करोड़ का है आप ये बोल सकते हो कि दस करोड़ पे हमें टेन परसेंट से ही टैक्स देना है पर मैंने थर्टी किया है तो लच्चे इतना टैक्स मेरा कम हो जाएगा कुछ खर्चे हैं जो डिडक्टेबल ही नहीं है इनकम टैक्स में टोटल फिफ्टी वन के तो डेफिनेटली इस कारण से मुझे टैक्स क्या करना पड़ेगा थोड़ा सा इसपेस ज्यादा देना पड़ेगा तो ऐसे आप एडजस्टमेंट करके क्या निकालोगे इस साल क्या टैक्स पे कर दें आप इसको ऐसे प्रेजेंट ऑबियसली नहीं कर देंगे इसकी बजाय आप फाइव नाइन्टी फोर में क्या करोगे एडलेस ऐसे करके जैसे अपन अगर ऑफिस में बनाएं कम्पिटिशन ऑफ इनकम बनाते हैं वैसे अपन निकालेंगे आगे बोला है कुछ रिसर्च और डेवलपमेंट के आठ करोड़ के खर्चे जिसका दो सौ गुना डिडक्शन इनकम टैक्स में मिलेगा तो आठ का एक बार आपने खर्चा बुक किया ही है फाइव नाइन्टी फोर के प्रॉफिट निकालने में एक और बार माइनस कर दो क्योंकि इनकम टैक्स में आपको इतना डिडक्शन और मिलेगा तो उसके ऊपर तीस परसेंट टैक्स आपको कम पे करना फिर बोल रहे हैं चार करोड़ की इनकम पे टैक्स नहीं है तो ये चार और माइनस हो जाएगा जिसपे तीस परसेंट ऐसे करके आप क्या निकाल लोगे इस साल जो टैक्स पेबल है बस अब इंडेस क्या कहता है कि ये आपका करंट टैक्स एक्सपेंस है जो इस साल आपको पे करना है यूँ समझ लो कि आप अपने प्रॉफिट से एज पर इनकम टैक्स कंप्यूट करके कितना टैक्स पे करना चाहोगे या करना पड़ेगा वो आपका करंट टैक्स एक्सपेंस है इसके अलावा आप ये देखो कि इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ें है जो आने वाले सालों में रिवर्स होंगी यानी सिर्फ इस साल अकाउंट्स और टैक्स पे ऊपर नीचे अगले साल वो रिवर्स हो जाएगा तो अगर अकाउंट्स में खर्चा कम बुक किया है टैक्स पे ज़्यादा तो अगले साल उल्टा हो जाएगा या आने वाले सालों में पलट जाएगा तो ये सब जितनी भी इंफॉर्मेशन अभी आपने पढ़ी है ये तो सिर्फ टैक्स रेट का डिफरेंस है ये नॉन डिडक्टेबल है या नहीं आगे भी डिडक्ट नहीं होंगे ये दो सौ परसेंट है डिडक्टेबल इसका मतलब अकाउंट्स में कभी खर्चा बुक करता ही दिए दो सौ परसेंट जो हुआ है वही करता है और इसका टैक्स आपको पॉप एटली ज्यादा ही मिल रहा है ये एग्जाम्ट है इस पर टैक्स लगता ही था ये पुराने ज़माने में होता था एडवेट इनकम एग्जाम्ट होती थी सिमिलरली कुछ एग्रीकल्चर इनकम ये सब की बात है अब ये पॉइंट देख आपने डेपरी चार्ज किया है थर्टी का पर इनकम टैक्स पे बोल रहे हैं डेप्रिसिएशन ये एज पर अकाउंट्स और ये एज पर टैक्स तो ये एक ऐसी चीज़ है जो आपको बताएगी सौ रुपए की एसेट अल्टीमेटली अकाउंट्स और टैक्स दो, दो दो में सौ का खर्चा ओवर द इयर्स बुक होगी अचाब आप अकाउंट्स में खर्चा थर्टी बुक कर रहे हो और टैक्स में सिर्फ ट्वेंटी फाइव वीक ले बोगा तो डेफिनेटली इस साल आपको पाँच रुपए के ऊपर टैक्स ज्यादा देता है आधे वाले सालों में बच जाएगा तो आपको पाँच के ऊपर क्या करना पड़ेगा डेफर्ट टैक्स बनाना पड़ेगा तो एग्जाम में दोस्तों क्वेश्चन जो आते हैं वो प्रमाली दो तरह के आते हैं पहला क्वेश्चन जो आता है उसमें क्या होता है आपको इनकम एक्सपेंस और प्रॉफिट और उनकी टैक्सेबिलिटी दी जाती है उससे आप निकालते हो इनकम टैक्स लॉ के अनुसार क्या टैक्स पेबल है और इनमें से कौन से डिफरेंसेस ऐसे हैं जो आने वाले सालों में रिवर्स होंगे चेंज होंगे उनके ऊपर आप डिफ्रेट टैक्स बना देते हो वो अपन पूरा रिवाइज करेंगे स्टैंडर्ड तो डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इसी अप्रोच के ऊपर बेस पूरा बनाया गया था पर हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और इंडेक्स जो कि सिमिलर है उनकी अप्रोच फॉलो तो करना है पर उससे पहले समझना है क्वेश्चन कैसे आते हैं और हमारी अप्रोच क्वेश्चन देख के क्या होना चाहिए तो ये जो अभी क्वेश्चन देखा इसमें आपकी अप्रोच सिंपली क्या होगी हर आइटम उठाओ और देखो कि उसका इनकम टैक्स में इस साल टैक्स देना है नहीं उस हिसाब से करंट टैक्स निकालो और फिर डिफरेंट टैक्स सेपरेट निकालो पर ज्यादातर क्वेश्चन जो आते हैं उनमें क्या दिया जाता है इंस्टेड ऑफ गिविंग द इनकम एक्सपेंस और प्रॉफिट्स इस साल का ये पी एंड एल है और इनकम टैक्स में अलाउड है ये डिस अलाउड है वो लोग क्या करते हैं वो लोग असिट लाइबिलिटी के बैलेंसेस भी साथ में देते हैं अब इसके पीछे एक लॉजिक समझना इंडेस का लॉजिक है कि कोई भी इनकम या एक्सपेंस आज आपने अकाउंट्स में बुक करी है पर टैक्स पे इस साल बुक नहीं हुई है आगे होगी या टैक्स पे बुक हुई है इस साल पर अकाउंट्स पे आज दी आगे होगी तो क्योंकि एक जगह आज और एक जगह आने वाले सालों में बुक होने वाली है तो इसका कहीं ना कहीं इंपैक्ट आपकी बैलेंस शीट पर आएगा जैसे आपने अकाउंट्स में सौ रुपए की एसेट या ये मैं एग्जांपल लेता हूं ये वाला फिफ्टी थाउजेंड की आपने एसेट खरीदी जिसपे आपने अकाउंट्स में डेप्रिसिएशन पांच हजार लगाया पर टैक्स में पंद्रह हजार रुपए का डेप्रिसिएशन क्योंकि वहां टैक्स रेट थर्टी परसेंट इस कारण से आपके अकाउंटिंग प्रॉफिट पे सीधे सीधे ट्वेंटी फाइव परसेंट से टैक्स एक्सपेंस करेंट टैक्स एक्सपेंस नहीं आएगा आपको थोड़े एडजस्टमेंट करना पड़ेगा कारण क्या था एडजस्टमेंट का ये डेप्रिसिएशन का डिफरेंस स्टैंडर्ड कहता है कि इसका इम्पैक्ट आपको असेट पे दिखेगा क्योंकि अकाउंट्स में जो आपका असेट है उस असेट की अकाउंट्स में डब्ल्यू आ रही होगी कितनी ईयर एंड पे फोर्टी फाइव थाउजेंड वहीं पर यही एसेट की इनकम टैक्स में ब्लॉक की क्लोजिंग वैल्यू कितनी आ रही होगी थर्टी फाइव थाउजेंड तो इंस्टेड ऑफ गोइंग विद द एल अप्रोच एंड कंपेयरिंग की भैया मैंने क्या अकाउंट और टैक्स में कम ज्यादा बुक किया है मैं बैलेंस शीट में देखूंगा कि मेरा असेट बैलेंस शीट में कितने पे आ रहा है जिसका मैं कहूंगा ये मेरा कैरिंग अमाउंट है फोर्टी फाइव और इनकम टैक्स के हिसाब से अगर मैं अकाउंटिंग करके क्लोजिंग बैलेंस निकालता तो कितना आता जिसे बोलते हैं टैक्स बेस थर्टी फाइव तो आप यूँ समझ लीजिए कि अगर आपके असेट का कैरिंग अमाउंट ज़्यादा है टैक्स बेस से तो इसका मतलब यह हुआ कि आपने टैक्स में ज़्यादा खर्चा बुक कर लिया है यानी इस साल टैक्स कम दिया आगे ज़्यादा देना पड़ेगा तो आप डिफर टैक्स लाइबिलिटी क्रिएट करोगे तो जो दूसरे तरह के क्वेश्चंस होते हैं इन क्वेश्चंस में आपको क्या किया जाता है असिड लाइवलिटी के बैलेंसेस दिए जाते हैं विद रेलेवेंट इंफॉर्मेशन और उससे आपको सारे कॉम्पिटेशन करना पड़ते हैं। अब न इसे असिड लाइवलिटी के बैलेंसेस विद रेलेवेंट इंफॉर्मेशन और उसका क्या इंपैक्ट एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूं कंपनी ने कहा है कि एनटीटी के पास एक आइडेंटिफाइबल असिट है दस लाख रुपए का तो लक्ष्य उसकी पीपी -पी है जिसका दस लाख रुपए का क्या अमाउंट बना और कवरेबल अमाउंट 6.5 लाख है तो शायद कंपनी ने इम्पेयरमेंट लॉस बुक किया होगा कितने का 3.5 लाख का तो इसका क्लोजिंग अमाउंट कितना आ रहा है कैरिंग अमाउंट आफ्टर इम्पेयरमेंट लॉस छः लाख पचास हजार ये अकाउंट्स है अब ये बोल रहे हैं कि इसका टैक्स बेस आठ लाख है और हमें तो पता ही है कि इम्पेयरमेंट लॉस इनकम टैक्स में क्लेम नहीं होते हैं वहाँ सिर्फ डेपरी लगता है इनकम तो टैक्स में बुक नहीं हुआ होगा यानी अगर टैक्स के हिसाब से बैलेंस शीट बनाता तो ये असैड आठ लाख पे ही आ रहा होता कंपनी को फ्यूचर में प्रॉफिट्स की उम्मीद है आपको पूछा है इसका डेफट टैक्स बताइए टैक्स रेट थर्टी परसेंट तब एक तरीका क्या होता है इनकम एक्सपेंस अप्रोच से कि भैया इस साल मैंने साढ़े तीन लाख रुपए का खर्चा अकाउंट्स में बुक किया है पर टैक्स में बुक नहीं किया है तो ये थ्री पॉइंट फाइव लाख इस साल के डिफरेंस का और इसके लिए क्या बनाऊंगा एलक्रिएटेड एफर्ट टैक्स असेट क्यों वो समझेंगे अभी आप बना के दूसरी अप्रोच क्या होती है भैया आपने कोई भी खर्चा बुक किया है जो आज आपने अकाउंट्स में बुक किया है पर टैक्स में आज बुक नहीं हुआ है वो कब होएगा जब ब्लॉक जीरो होगा या असेट बिकेगा तब पर आगे तो होगा इसका मतलब क्या हुआ ये टेम्पररी डिफरेंस है आज एक जगह बुक हुआ तो आने वाले किसी साल में दूसरी जगह भी बुक होगा आज अकाउंट्स में कल टैक्स में बोलते हैं कि आप ये मत सोचो फिर क्या खर्चा वर्चा हुआ है आप तो सीधे ये देख लो कि आपके असेट्स में क्या डिफरेंसेस हैं अब आप क्लोजिंग रेट पे अगर देखोगे तो आपका कैरिंग अमाउंट आपके टैक्स बेस से ज्यादा है या कम है कम है इसका मतलब यह है कि आपको आने वाले सालों में इनकम टैक्स में वन पॉइंट का वन लाख का एक्स्ट्रा डिडक्शन मिलेगा यानी टैक्स बचेगा इस कारण से आपको 1.5 लाख के ऊपर 30 परसेंट से डेफर्ट टैक्स असेट बनाना होगा यही पूछते साल के शुरू में क्या है तो साल के शुरू में अगर मैं बोलूं तो क्या रहेंगे माउंट टैक्स बेस से ज्यादा था तो साल के शुरू में दो लाख पे थर्टी परसेंट के हिसाब से सिक्सटी थाउजेंड रुपीज का डेफर्ट टैक्स लाइबिलिटी बनेगा अब इसको कैसे अकाउंट फॉर करेंगे एंट्री करेंगे ऑल दैट इज समथिंग विच वी विल डिस्कस पर उससे पहले आपको सिर्फ ये समझना है कि प्रमाली एग्जाम में क्वेश्चन मोस्टली दो तरह के आएंगे अनलेस स्पेशल इशू उठा लो आप इस इंडेज का तो अलग है बेसिक क्वेश्चन सिर्फ दो ही तरह से पूछे जाते हैं या तो आपको पूरी की पूरी इनकम एक्सपेंस दे देते फिर आप देखो कौन कौन सी डिफरेंटली अलाउड है उस पर डिफर टैक्स बनाओ और बाकी जो जो डिसअलाउड या एक्स्ट्रा अलाउड है वो सब एडजस्ट करके करंट टैक्स निकालो पर अगर आपको असेट लाइबिलिटी की इंफॉर्मेशन दी है तो फिर आपको कंपेयर करना पड़ेगा किसको कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस और वहीं पर ये पूरा का पूरा इंडेक्स आपके लिए यूजफुल होगा तो क्वेश्चन वन टाइप इज समथिंग विच इज सिंपल एंड डायरेक्ट क्वेश्चन टू में आपको क्या करना है जब इनकम एक्सपेंस अकाउंट्स में या टैक्स में एक पीरियड में, हो में बुक हो रहे बट यही चीज़ फ्यूचर पीरियड में दूसरी जगह बुक होगी इसका डेफिनेटली कोई ना कोई असेट या लाइबिलिटी पे अकाउंट्स और टैक्स में इंपैक्ट आएगा इस कारण से हम कैरिंग अमाउंट को टैक्स बेस से कंपेयर करते हैं और डिफरेंस है डिफर टैक्स असेट या लाइबलिटी पर तो कोई भी क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम में आता है जिसमें आपको असेट लाइबिलिटी के बैलेंस दिए हैं तो आप ये स्टेप्स फॉलो करके क्वेश्चन सॉल्व आसानी से कर पाओगे सबसे पहले सबसे सिंपल आप कैरिंग अमाउंट निकाल लो जो बुक्स में उसकी वैल्यू आ रही है ईयर एंड पे फिर टैक्स बेस निकाल लो जो कि क्वेश्चन में हो सकता है ना दिया हो तो आपको कंप्यूट करना पड़ेगा और ये थोड़ा सा ट्रिकी मैटर है इसके बाद बहुत सिंपल है कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस का जो डिफरेंस है वो टेम्पररी डिफरेंस है साल के शुरू में और साल के अंत में दोनों डेट पे निकाल लो अब ये जो टेम्प्रेरी डिफरेंस है या तो इससे खर्चा बुक करना है या आपको इससे इनकम बुक करना है खर्चा तब जब ये टैक्सेबल टेम्प्रेरी डिफरेंस है इनकम का तब ये डिडक्टेबल टेम्प्रेरी डिफरेंस है पूरा रिवाइज करेंगे तो समझ में आएगा कैसे पता पड़ेगा ये कौन सा है बहुत ही सिंपल है असेट्स के केस में अगर कैरिंग अमाउंट ज्यादा है

डीटीए बनता है तो इस तरह से आप क्या करो ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों डेट पे ये देख लो कि कितना डिफरेंस है उस पे कितना डीटीए डिटेल बनना चाहिए और डीटीए डिटेल बनाते समय जो भी डिफरेंस होते हैं उसको फ्यूचर टैक्स रेट से मल्टीप्लाई करते हैं और डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस कैसे निकलेगा जो भी आपका क्लोजिंग डीटीएल माइनस ओपनिंग डीटीएल है उत्तजिल लायबिलिटी बढ़ गई तो खर्चा बुक हो गया या अगर आपका ओपनिंग डीटीए से कम क्लोजिंग डीटीए है तो ये आपका खर्चा बुक हो गया अगर ये माइनस में आएगा तो ये डिफर्ट टैक्स सेविंग हो जाएगी करंट टैक्स एक्सपेंस आप नॉर्मल टैक्स लॉस के अनुसार निकाल लीजिए और इन दोनों को ऐड करके टैक्स एक्सपेंस बुक कर दीजिए ऑब्वियस सी बात है ये पूरा इंडिया से आप रिवाइज करोगे कुछ क्वेश्चंस करोगे तो और अच्छे समझोगे पर पूरा पढ़ने के बाद आप अल्टीमेटली देखोगे कि ये क्वेश्चन में आपको यही करना है इसी से आपके सारे आंसर्स आते हैं ग्रॉस डिस्कशन है इसमें कई सारे एक्सेप्शन हो सकते हैं स्पेशल केस हो सकते हैं दैट इज समथिंग हैव टू डिस्कस डिस्कस पर इन सब को करने से पहले एक बेसिक लॉजिक दिमाग में क्लियर है कि इस इंडेस में आपको अगर एसेट लाइबिलिटी का बैलेंस दिया है तो आपको टैक्स बेस निकालना अनिवार्य है सो कैलकुलेशन ऑफ टैक्स बेस इज आर नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिस्कशन टैक्स बेस कैसे निकलता है बहुत ही सिंपल रद्दी आसान सा तरीका अगर मैं आपको बताऊं तो बस इतना सोच लो दोस्त कि अगर मैं इनकम टैक्स में जो अलाउड खर्चा है उतना ही खर्चा बुक करके असेट का क्लोजिंग बैलेंस निकालता तो कितना आता वो टैक्स बेस लाइबिलिटी अगर इनकम टैक्स में अलाउड है तो ही मैंने बुक करी है तो कितने की लाइबिलिटी आ रही है वो मेरा लाइबिलिटी का टैक्स जैसे <clears throat> मेरी एसेट पचास हजार की है थर्टी परसेंट एप्रिसिएशन है अगर इनकम टैक्स की बुक्स के अनुसार देखू तो इसका बैलेंस थर्टी फाइव थाउजेंड आएगा ये मेरा टैक्स बेस पांच का किया है पाँच रुपये का पिलिमिनरी एक्सपेंस इनकर एक रुपये का डिडक्शन इनकम टैक्स में आज मिल गया चार रुपये का आने वाले सालों में मिलेगा तो ये जो प्रलिमिनरी एक्सपेंस एन रिटर्न ऑफ है ये चार रुपए का बैलेंस शीट में इनकम टैक्स में दिखना चाहिए तो टैक्स बेस ऑफ पिलिमिन्री एक्सपेंस असेट इन इनकम टैक्स फोर रुपीज आफ्टर वन ईयर जबकि कैरिंग अमाउंट जीरो है क्योंकि फर्स्ट ईयर में ही पूरा पाँच बजे राइट ऑफ कर दिया है क्योंकि ये एक्सपेंस अब एज पर इंडेज थर्टी एट आगे क्या नहीं होते राइट ऑफ या डेफर नहीं होते जैसे ही आपने ये किया तब तो आपको क्या समझ में आ गया कि टैक्स बेस कैसे निकलना है जो अकाउंट्स में हुआ है वो नहीं टैक्स में उन असेट्स में क्या अकाउंटिंग करी अलाउड है क्या खर्चा अलाउड है क्या इनकम अलाउड है उस हिसाब से वो क्या आता दैट इज द टैक्स बेस आज आपने बैंक से सपोज सौ रुपए का लोन लिया और उस पर एक रुपये प्रोसेसिंग फीस इनकर करिए तो इनकम टैक्स में आप प्रोसेसिंग फीस को खर्चा बुक करते हो और लोन सौ रुपये का लाइबिलिटी दिखाते तो आपका टैक्स बेस लोन का क्या आ गया सौ लेकिन वहीं पर हो सकता है अकाउंट्स में आपने सौ का लोन लिया और एक रुपये ट्रांजेक्शन कास्ट इनकर आप इनिशियल रिकोगनीशन फाइनेंशियल लाइबिलिटी नाइनटी नाइन लाओगे और उससे इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट चेंज कर दोगे जो एक की ट्रांजेक्शन कॉस्ट लगी तो कैरिंग अमाउंट आपका कितना हो गया 99 लेकिन वहीं टैक्स बेस कितना है आपका 100 क्यों क्योंकि इनकम टैक्स पे सिंपल हम फेस वैल्यू यूज करें जहां कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस पर डिफरेंस आएगा वहां डीटीए या डी बनेगा लट्टा लगाना है तो बहुत ही सिंपल सा तरीका है लट्टा लगाने का डीटीआई डी टी कैसे बनता है बहुत सिंपल सा तरीका है असिट्स केस में अगर आपका कैरिंग अमाउंट ज्यादा है टैक्स बेस से तो डीटीएल बनेगा बिकॉज इट्स अ टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस जिसपे डी टी बनता है लॉजिक क्या है सीधी सी बात है असट ज़्यादा है और टैक्स बेस कम है इसका मतलब आपने टैक्स में ज़्यादा खर्चा बुक कर दिया इसलिए वहां बेस कम हो गया अकाउंट्स में आने वाले सालों में वो खर्चा बुक होगा तो टैक्स में आप ज़्यादा क्लेम कर लिया है इसका मतलब इस साल टैक्स आपने कम पे किया होगा तो इसके लिए अब हमें टैक्स बढ़ाना है तो हम डेफिट टैक्स लाइबिलिटी बनाते हैं ये इसके पीछे का लॉजिक है लाइबिलिटी में उल्टा हो जाएगा ऑब्स सी बात है लॉजिक क्या है दो तो मिनट के लिए समझो कि मैंने आज प्रोविज़न फॉर बोनस पाँच लाख का बुक किया इनकम टैक्स में ये पेमेंट बेसिस पे अलाउड है पेमेंट रिटर्न फाइल करने तक नहीं हुआ तो ये इस साल अलाउ ही नहीं हुआ है तो इनकम टैक्स में बुक ही नहीं हुआ तो इनकम टैक्स में टैक्स बेस क्या हुआ इसका जीरो पर अकाउंट्स में कैरिंग अमाउंट फॉर प्रोविज़न फॉर बोनस क्या है पाँच लाख इट्स अ लाइबिलिटी ये क्या बताता है कि इस साल आपने जो प्रॉफिट दिखाए हैं आपको उससे ज़्यादा पे टैक्स देना है तो इस साल आपका टैक्स एक्सपेंस ज्यादा आएगा पर चिंता मत करो अगले साल कम हो जाएगा क्योंकि जब आप अगले साल ये पाँच लाख का बोनस पे करोगे तो इनकम टैक्स आपको पेमेंट बेसिस पर पे डिडक्शन देगा पर अकाउंट्स में आपको वापस खर्चा बुक नहीं करना है क्योंकि आप फर्स्ट ईयर में बुक कर चुके तो फ्यूचर में आपको टैक्स कम पे करना है इसका मतलब आज आप डिफर्ड टैक्स अ सेट बनाओगे तो डी क्यों बनाया है क्योंकि कैरिंग अमाउंट प्रोविजन फॉर बोनस है पांच लाख की लाइबिलिटी पर टैक्स बेस है उसका जीरो क्यों क्योंकि इनकम टैक्स में अलाउड ही नहीं है तो एंट्री नहीं हुई ऐसा मन में सोचा तो जीरो आ गया तो कैरिंग अमाउंट ज्यादा है अगर किससे टैक्स बेस से tax base तो लाइबिलिटी के केस में क्या बनेगा डी क्योंकि इसे कहते हैं डिडक्टेबल टेम्प्री कहीं भी अटक जाओ तो मन में बस ये सोचना कि है जो डिफरेंस है इस साल इसके कारण इस साल का टैक्स लाइबिलिटी बढ़ी है या कम हुई है अगर इस साल टैक्स लाइबिलिटी बढ़ी है तो आगे कम होगी इसका मतलब आप इसके ऊपर डी टी ए बनाओ इस साल टैक्स लाइबिलिटी कम पे करना पड़ा है टैक्स पर आगे ज़्यादा देना पड़ेगा तो इसके ऊपर आप डी टी एल बनाओ याद रखने का सिंपल तरीका है कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस को कंपेयर करो असेट के केस में कैरिंग अमाउंट ज्यादा तो डी टी एल बिकॉज इट्स टैक्सेबल टेम्परे डिफरेंस लाइबिलिटी के केस में उल्टा तो टैक्स बेस निकाला कैसे जाता है बहुत ही सिंपल है यार देखो तुमने एक असेट खरीदी पचास हज़ार रुपये की है तो वो तुम्हारा खर्चा ही पर आज नहीं ओले ओले बुक करोगे तो सीधी सी बात है कि कैरिंग अमाउंट तो आपकी बुक्स में जो आ रहा है वो आ रहा है टैक्स बेस इसका क्या होगा जितना भी खर्चा आने वाले सालों में और बुक करना बाकी है तो असेट के केस में एनी अमाउंट विच इज डिडक्टेबल और नॉट टैक्सेबल इन फ्यूचर तो अगर कोई ऐसी आपकी असेट है जिसके फ्यूचर कैश फ्लोज एग्जाम्ट है तो जो भी एग्जाम्ट है वही उसका टैक्स बेस है या फ्यूचर में आपको डिडक्शन मिलना है उत्ते का इनकम टैक्स में तो वो आपका क्या है टैक्स बेस है तो आप देखिए कि इस एग्जाम्पल में फिफ्टी थाउजेंड की एसेट में से कितना डिप्रिसिएशन फ्यूचर ईयर में और मिलना अभी बाकी है पंद्रह मिल चुका है तो इसका मतलब ये हुआ कि पंद्रह में से मिलने के बाद थर्टी फाइव थाउजेंड और मिलना बाकी है तो इसका टैक्स बेस उस लॉजिक से क्या हो गया थर्टी फाइव थाउजेंड इतना सिंपल तो आपको क्या लेना है कितना फ्यूचर में डिडक्शन मिलना बाकी है वो टैक्स बेस एग्जाम्ट है तो कितना एग्जाम्ट होगा वो टैक्स बेस इसका असेट लाइबिलिटी पे मैंने क्या बोला ये सोचो कि यार ये खर्चा इनकम टैक्स में डिडक्टल हुआ ही नहीं है इस साल क्योंकि प्रोविजन है तो इसकी अकाउंटिंग नहीं हुई होगी इसका मतलब इसका टैक्स बेस जीरो है तो टैक्स बेस क्या होना चाहिए आइडियली इट विल बी द कैरिंग अमाउंट माइनस द अमाउंट विच इज डिडक्टेबल इन फ्यूचर तो प्रोविजन फॉर बोनस का बैलेंस शीट में कैरिंग अमाउंट पांच लाख है जिसमें से फ्यूचर में डिडक्टेबल पूरा पाँच लाख है जब कैश में पे होगा फाइव लाख माइनस फाइव लैक यानी जीरो एक तरीका निकालने का दूसरा तरीका सोचने का इस साल ये एक्सपेंस इनकम टैक्स में क्लेम ही नहीं हुआ है तो एंट्री हुई नहीं तो प्रोविजन आना ही नहीं चाहिए तो टैक्स बेस जीरो तो प्रोविजन और पेबल में कैसे निकलता है कैरिंग अमाउंट जो बुक्स में आ रहा है माइनस जो अमाउंट फ्यूचर में डिडक्टेबल लेकिन लोन के केस में इट विल बी फेस वैल्यू जैसे अभी अपन ने डिस्कस किया और एडवांस के केस में सिंपली क्या होगा एडवांस में हम सिंपली कहेंगे कि आने वाले सालों में जो भी अमाउंट पे मैं टैक्स ऑफर करूंगा वो क्या है भैया आप सोचो इनकम टैक्स में आज आपको एडवांस मिला एक लाख रुपये का अगर इनकम टैक्स कहता है कि भैया इसको तो रिसीव बेसिस पे आपको टैक्स करना है तो आपने इसी साल उसको इनकम बुक करके टैक्स कर दिया तो अब आपका इनकम टैक्स में एडवांस कितना बचा जीरो क्योंकि इनकम बुक हो गई पर आपने एक लाख रिसीव किया और ये अभी टैक्स नहीं हुआ है जब फ्यूचर में जब सर्विस डिलीवर होगी तभी टैक्स होगा तो आप अभी इनकम टैक्स में भी ये एक लाख रिसीव को कैश टू इनकम नहीं कैश टू एडवांस इनकम लाइबिलिटी बुक कर रहे हैं तो टैक्स बेस क्या होना चाहिए जितनी इनकम आपने अभी टैक्स कर दिए वो आपकी लाइबिलिटी नहीं है तो कैरिंग अमाउंट माइनस द अमाउंट ऑफ इनकम विच इज ऑलरेडी टैक्स या नॉट टैक्सेबल इन फ्यूचर वेन दिसीव या सिंपली सी चीज जो भी अमाउंट आपने अभी तक टैक्स में ऑफर नहीं किया है पर रिसीव कर लिया वो आपकी क्या होगी लाइबिलिटी होगी टैक्स बेस होगा लाइबिलिटी हो. इस तरह से आपको क्या करना पड़ेगा यू विल हैव टू कैलकुलेट द टैक्स बेस और समझ लो दोस्तों टैक्स बेस का कैलकुलेशन इस इंडेस का सबसे ट्रिकी एस्पेक्ट एक बार वो कर दिया फिर ये इंडेस पूरा मेथड के बेसिस पे चल सकता है इट इज प्योरली मेथोडोलॉजिकल तो ये अलग अलग केसेस दिए हुए हैं आपको जिसमें आपको समझाया गया है कि इन केसेस में कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस कैसे कैसे चेंज हो रहे हैं और आपको रीजनिंग क्या है उसके बेसिस पे डेफर टैक्स बनना चाहिए या नहीं और बनेगा तो डेफर टैक्स लाइबिलिटी यासेट क्या बनेगा आप प्रैक्टिस करोगे तो ये समझ में आएगा बट ये जो मैंने अभी आपको बताया ये एक बेसिक प्रिंसिपल है इन का इसको सबसे पहले अपन कंक्लूड करते हैं फिर उसके बाद अपन यहां से इसको रिवाइज करेंगे सबसे पहला क्वेश्चन देखिए एग्जाम में पहले क्वेश्चन को यू समझिए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है क्या वो आपको अलग अलग इनकम एक्सपेंस देखिए कौन सी डिडक्टेबल है एग्जाम टैक्सेबल है नॉन टैक्सेबल है दे रहा है तो आप ये टैक्स बेस वगैरह का सब फंडा छोड़ दो सिंपल ये निकालो कि इस साल कितने पे टैक्स देना है अपने को और कौन सी इनकम है जो अकाउंट्स में और टैक्स में अलग अलग बुक हुई है उनका जो डिफरेंस है उसके ऊपर डी टी ए बना दो सिंपल प्रिंसिपल दो और वो चीज़ जिससे इस साल की टैक्स लाइबिलिटी कम हुई है उस पर डीटीएल एंड जिससे इस साल की टैक्स लाइबिलिटी बढ़ी है आगे के साल की कम होगी उस पर डी बेसिक लॉजिक बाकी डी पे आगे प्रूडेंट्स वगैरह और देखेंगे पर अगर क्वेश्चन वैसा नहीं है और क्वेश्चन कैसा है जो आपको असेट्स और लाइबिलिटी की इंफॉर्मेशन दे रहा है क्यों क्योंकि कोई भी इनकम एक्सपेंस अगर अलग अलग अकाउंट फॉर आज किया है और आने वाले सालों में उसकी अकाउंटिंग रिवर्स होगी तो डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट कोई ना कोई असेट लाइबिलिटी पर आएगा तो ऐसे केस में यू विल हैव टू फर्स्ट कैलकुलेट द कैरिंग अमाउंट जो बुक्स में आ रहा है और टैक्स बेस ये सोच के कि टैक्स के अनुसार बुक्स बनाता तो उसका क्या आता वो डेफिनेशन बेस जाना है तो टैक्स बेस असेट्स का होता है क्या इट विल बी अमाउंट विच इज डिडक्टल इन फ्यूचर और लाइबिलिटी का होता है क्या कैरिंग अमाउंट माइनस अमाउंट विच इज डिडक्टेबल इन फ्यूचर और नॉट टैक्सेबल इन फ्यूचर बाकी लॉजिकली आप सोच सकते हो इंडेक्स खुद भी कहता है कि जब भी टैक्स बेस निकालने में दिक्कत आए तो आप बेसिक प्रिंसिपल ध्यान रखोगे इंडेस का और बेसिक प्रिंसिपल क्या है कि हर वो चीज़ जो इस साल आपका टैक्स कम कर रही है पर आगे बढ़ा सकती है वो चीज़ों के ऊपर आपको डिटेल बुक करना है उसे टैक्सेबल टेम्प्रेरी डिफरेंस मानना और तो इस लॉजिक से आपको टैक्स बेस और डीटीए डी निकालना है ध्यान रखना असेट में कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस से ज्यादा है तो डीटीएल लाइबिलिटी में कैरिंग अमाउंट अगर टैक्स बेस से ज्यादा है तो डीटी ए क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन असेट लाइबिलिटी की ओपनिंग क्लोजिंग दी जाएगी तो आप ओपनिंग क्लोजिंग डिटी डीटीएल निकालोगे और फिर जो चेंज है उसे करंट ईयर का डेफर्ट टैक्स एक्सपेंस मानो ये बेसिक प्रिंसिपल अगर आपको समझ में आए तो आप इंडिया को रिवाइज कर सकते हैं एंड इस इंडिया में आप अपन क्या डिस्कस करेंगे एक एक करके क्या सारे प्रोविजन है और कुछ स्पेशल केसेस में कैसे आपको डेफर्ट टैक्स कैलकुलेट करना पड़ेगा अलॉन्ग विद डी टी ए के क्या एडिशनल प्रोविजन यहां पर दिए जाए चलिए तो सबसे पहले इंडिया अप्लाइज टू टैक्सेज ऑन इनकम वेदर इट इज टैक्सेज ऑन इनकम पेबल अंडर इंडियन टैक्स लॉस और डोमेस्टिक टैक्स लॉज और फॉरन टैक्स लॉस डी अब इंडिया में नहीं है पर अगर वो होता तो उसकी भी अकाउंटिंग यहाँ पर कवर हो होती है और मैट क्रेडिट्स की भी अकाउंटिंग यहाँ पर कवर है मैचिंग प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है ये बोलता है कि टैक्स एक्सपेंस हर इनकम एक्सपेंस के लिए हमें एज सच इम्पैक्ट देना पड़ेगा हो सकता है कि वो टैक्स एज पर टैक्स लॉस करंट पीरियड में टैक्स ना हो तो इसलिए हमारा टैक्स एक्सपेंस शुड नॉट बी जो इस साल टैक्स पेबल है बट इट विल आल्सो इंक्लूड द डेफर्ट टैक्स एक्सपेंस और डेफर्ट टैक्स एक्सपेंस पॉजिटिव भी हो सकता है एक्सपेंस और नेगेटिव भी हो सकता है एनी सेविंग्स एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखना है कि डेफर्ट टैक्स एक्सपेंस कहाँ से बुक होएगा जहाँ से उसकी करस्पॉन्डिंग इनकम एक्सपेंस बुक हुई है इसका क्या मतलब है आगे अपन समझेंगे कुछ टर्म्स दी हुई है टैक्स एक्सपेंस इज इक्वल टू डेफर्ट टैक्स एक्सपेंस प्लस करंट टैक्स एक्सपेंस करंट टैक्स एक्सपेंस जो इस साल के प्रॉफिट्स पर आपको टैक्स लॉस के अनुसार इनकम टैक्स पे करना है ध्यान रखना जीएसटी वगैरह इस ऑब्वियसली बात है स्टैंडर्ड में नहीं आएंगे दे आर नॉट टैक्सेस ऑन इनकम बट और प्रॉफिट्स दे आर टैक्सेस ऑन योर सेल्स और रेवेन्यू डेफर्ट टैक्स कैसे निकाला जाएगा तो इसके लिए आपको देखना है कि इस साल आपके टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस है या डिडक्टेबल टेम्परी डिफरेंस टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस यानी आपकी लाइबिलिटी डिफर टैक्स लाइबिलिटी बढ़ रही है डिडक्टेबल मतलब डेफर्ट टैक्स असर्ट्स बढ़ रहे हैं तो इट इज नथिंग बट बेसिकली डिफर टैक्स टैक्स ऑन टैक्सेबल टेम्प्रेरी डिफरेंस माइनस टैक्स ऑन डिडक्टेबल टेम्पररी डिफरेंस वॉट आर टेम्प्रेरी डिफरेंस एस कहता था टेम्प्रेरी डिफरेंस वो चीज है जो आपने इस साल इनकम बुक करी है अकाउंट्स में और टैक्स में नहीं या एक्सपेंस इधर बुक किया है वहाँ नहीं और वहीं से लेकिन इन असेट लाइबिलिटी अप्रोच पे जाता है तो वो कहता है कि अगर आपका कैरिंग अमाउंट आपके टैक्स बेस से डिफरेंट है एक्सेप्ट फॉर सर्टन केसेस जहां पर डिफरेंट होने के बावजूद भी हम उसके ऊपर डिटीए डिटेल नहीं बनाते तो माना जाएगा दर इज अ टेम्पररी डिफरेंस किसके कैरिंग अमाउंट में फर्क है ध्यान रखना सिर्फ अस और लाइबिलिटी हमेशा ध्यान रखना दोस्तों इक्विटी रिजर्व इनके ऊपर कभी भी आप डिटी डिटेल नहीं बनाएंगे रेफर टैक्स लाइबिलिटी कब बनती है जब आपको लगता है कि टैक्सेबल टेम्प्रेरी डिफरेंस है जिससे फ्यूचर में टैक्स लाइबिलिटी बढ़ेगी तो डिफर टैक्स लाइबिलिटी बढ़ेगी और डिफर टैक्स लाइबिलिटी बढ़ी मतलब डिफर टैक्स एक्सपेंस बढ़ा अ कब बनेगा तो ये तीन केसेस में बनता है अपन आगे डिस्कस करेंगे ये अगर बढ़ेगा तो आपका डिफर टैक्स एक्सपेंस कम होगा टेम्प्रेरी डिफरेंसेस क्यों पैदा होते हैं तो क्या लेंगे अमाउंट और टैक्स बेस के बीच में जो डिफरेंस है वो टेम्प्रेरी डिफरेंस होते हैं ये टैक्सेबल हो सकते हैं जिससे फ्यूचर में टैक्स बढ़ेगा डिडक्टेबल जिससे फ्यूचर में टैक्स बचेगा डीटीए डीटीएल हमेशा फ्यूचर टैक्स रेट्स को यूज करके बनाया जाता है जिसको अभी आगे डिस्कस करेंगे और डीटीए डीटीएल के लिए आपको सबसे पहले निकालना है कैरे अमाउंट जो कि आसान है इस पर अकाउंटिंग निकालेंगे और फिर टैक्स बेस जो थोड़ा सा ट्रकी है। असेट के केस में टैक्स बेस क्या है सिंपल जो अमाउंट फ्यूचर में डिडक्टेबल है वो टैक्स है फंडामेंटली ऐसे सोचना खर्चा आज कर दिया है पर आगे जाके उसका डिडक्शन मिलेगा तो वो मेरा टैक्स बेस है जैसे असेट पे खर्चा आज कर दिया है पर डप्रिसिएशन के साथ साथ डिडक्शन मिलेगा तो जितना डिपरी मिलना बाकी है या जो खरीदा था माइनस जितना डिपरी क्लेम कर लिया वो बचा हुआ आगे मिलेगा तो वो मेरा टैक्स बेस है तो अमाउंट डिडक्टेबल इन फ्यूचर कोई तो ऐसा अट है जिसके कैश एग्जाम है तो वो कैरिंग अमाउंट ही उसका टैक्स बेस आ जाएगा लाइबिलिटीज केस में पेबल्स और प्रोविजन अगर हैं तो कैरिंग अमाउंट जो बुक्स में आ रहा है माइनस जो अमाउंट फ्यूचर में डिडक्टेबल तो आज आपने पांच लाख ,00 का प्रोविजन बनाया बोनस का अकाउंट्स में और इनकम टैक्स में उसको क्लेम नहीं कर पाए इस साल तो फ्यूचर में कितना डिडक्शन मिलेगा पेमेंट होने पर पांच लाख पूरा तो आपका टैक्स बेस हो गया फाइव ,00 लाख माइनस फाइव लाख जीरो पर कैरिंग अमाउंट है फाइव ,00 लाख लाइबिलिटी में मैंने बताया कि अगर कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस से ज्यादा है तो डी बनेगा सही भी है क्योंकि आज आपने अकाउंट्स में खर्चा बुक किया है पर टैक्स में क्लेम नहीं किया इसलिए इस साल की टैक्स लाइबिलिटी बढ़ी हुई है पर आगे की कम हो जाएगी तो हमारा पर्पज ही इस इंडेक्स का ये है कि इस साल करंट टैक्स बढ़ा हुआ है तो उसे कम करना है तो कम करने के लिए हम क्या करेंगे डेफर्ट टैक्स असेड बनाएंगे यानी कि हमारा टैक्स एक्सपेंस कम करेंगे एडवांसेस के केस में इट विल बी कैरिंग अमाउंट माइनस अमाउंट ऑफ रेवेन्यू टू बी नॉट टैक्स्ड इन फ्यूचर इक्विटी पे कोई डिफर टैक्स नहीं बने कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे दिए हुए हैं बहुत सुपर एग्जांपल्स हैं जिनको एक एक करके आप अच्छे से टैक्स बेस कैसे निकलेगा ये समझ सकते हो दो तीन मैं कराता हूँ बाकी आप सेल्फ देख सकते हैं जैसे पाँच हज़ार है बीस परसेंट अकाउंट्स में टैक्स में थर्टी परसेंट है डब्ल्यू डी दो साल बाद रिवाल्यू कर दिया थर्टी फाइव हंड्रेड पर आपसे पूछा है टैक्स बेस कैरिंग अमाउंट <coughs> बताइए और बताइए कितने टेम्प्रेरी डिफरेंस है क्या वो टैक्सेबल है या डिडक्टेबल है और अकॉर्डिंगली उस पर क्या डिफर टैक्स बनना चाहिए तीस परसेंट टैक्स रेट है तो सबसे पहले कैरिंग अमाउंट क्या हो जाएगा फाइव थाउजेंड माइनस ट्वेंटी परसेंट डब्ल्यू डी वी है तो हज़ार और फिर उस पर आठ सौ तो ये थर्टी टू हंड्रेड कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस क्या होगा इनकम टैक्स के हिसाब से अगर मैं अकाउंटिंग करूँ तो मुझे पहले साल थर्टी परसेंट के इनाज से इतना डिप्रिसिएशन मिलेगा इतना बचेगा फिर इस पर थर्टी परसेंट से इतना बचेगा अब आपको यहाँ पे यह देखना है कि डिफरेंस कितना है तो कैरिंग अमाउंट माइनस टैक्स बेस इज इक्वल टू द टेम्परे डिफरेंस तो ईयर बिगनिंग में ज़ीरो था फिर फर्स्ट ईयर के एंड में पाँच और फिर ये साढ़े हो गया क्या ज्यादा है कैरिंग अमाउंट एसेट्स के केस में ज्यादा होता है तो इसे टैक्सेबल टेम्प्रेरी डिफरेंस माना जाता है ये टैक्सेबल टेम्प्रेरी डिफरेंस माना जाए ये रिवेलुएशन किया है इनकम टैक्स में रिवैल्युएशन करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है आपको जो कॉस्ट है उतना ही डिडक्शन आपको यहाँ पर मिलेगा तो अब इस लॉजिक से आपको इसके ऊपर थर्टी परसेंट से वन फिफ्टी का क्या बनाना होगा टैक्स लाइबिलिटी और इस पे थर्टी परसेंट से टू ट्वेंटी फाइव और इस पे थर्टी परसेंट से थ्री वन फाइव शुरू में कुछ की भी जरूरत नहीं अब आप बताइए साल के शुरू में डिटीएल जीरो से सही भी है क्योंकि इस साल आपने पांच सौ रुपए का करंट टैक्स पांच सौ रुपए पर कम पे किया टैक्स में पांच सौ का खर्चा ज्यादा क्लेम हुआ डेप्रिसिएशन का इसलिए इस साल के प्रॉफिट टैक्स में पांच सौ रुपए से कम टैक्स हुए जिसपे वन फिफ्टी का टैक्स बचाया पर आगे जाके ये पे करना होगा क्योंकि आगे डिडक्शन इतना कम मिलेगा तो ये रिवर्स करना है तो रिवर्स करना है खर्चा बढ़ाना है तो डीटीएल बुक होएगा ये डी बुक हो गया फिर 150 से बढ़ के टू तो अगले साल 75 का एक्सपेंस और फिर अगले साल 90 का एक्सपेंस इस तरह से आपके हर साल के डेफर टैक्स एक्सपेंस आ जाएंगे ये प्रिंसिपली अप्रोच होती है दोस्तों बुक करने अब इसमें आपको एक चीज समझना है कि आपने अकाउंट्स में रिवैल्युएशन किया तीन से टैक्स तो कॉस्ट के आधार पर ही डेप्रिसिएशन देता है तो ये 300 से बढ़ाने के कारण अब आपका असेट का कैरिंग अमाउंट और तीन सौ बढ़ गया और जिस कारण से आपका 300 सौ पे तीस परसेंट से नब्बे रुपए से और डिटेल बढ़ गया अब इंडे इस क्या कह रहे हैं कि आपको डिटेल कहां बुक करना है एक्सपेंस कहां बुक करना है तो जहां से करस्पॉन्डिंग इनकम एक्सपेंस बुक हुई है वहां पर भी उसका डिफर्ड टैक्स बुक होगा तो रिवेलुएशन क्योंकि ओ सी आई एन आर से होता है तो ये नाइन्टी रुपीज़ का आपका जो डी टी एल है ये भी ओ सी आई एन आर से बुक होगा तो आपकी एंट्री होगी टैक्स एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू तो डी टी एल पर यह टैक्स एक्सपेंस है आपका डेफर्ट टैक्स एक्सपेंस जो डेबिट पी आर एल की बजाय कहाँ होगा ओ सी आई एन आर में क्योंकि रिवैलुएशन गेन ओ सी आई में गया है तो उसका रेस्पॉन्डिंग टैक्स इम्पैक्ट भी ओ सी आई में जाएगा एक और एग्जाम्पल लेते हैं सपोज़ हमने एक लैंड खरीदी एक चार बाईस पे और एक चार पच्चीस पे इसको बेच दिया वन फिफ्टी पे इसमें इंडेक्सेशन बेनिफिट्स अवेलेबल हैं और इंडेक्स नंबर्स दिए हुए हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 20 परसेंट से टैक्स होता है आपको बोला है कि हर साल के अंध में क्या कोई डिफ्ट टैक्स करने की ज़रूरत है अब आप देखिए लॉजिकली कैरिंग अमाउंट कितना है इसका शुरू से लेके आखिरी तक सौ पर टैक्स बेस क्या है तो टेक्निकली स्पीकिंग टैक्स बेस का मतलब क्या होता है कैरिंग अमाउंट जो आज सौ है ये फ्यूचर में डिडक्शन मिलेगा क्या जब मैं इसे बेचूंगा तो सौ रुपये के ऊपर जितने भी बिकेगा उतने भी टैक्स देना है तो मेरा टैक्स बेस हंड्रेड हो गया पर इंडेक्सेशन के कारण साल जैसे जैसे बढ़ेंगे वैसे वैसे मुझे इसके ऊपर फ़ायदा कैसा होगा कि मुझे सपोज एक साल में टेन परसेंट इन्फ्लेशन रेट बढ़ा तो अगर एक साल बाद इस लैंड को मैं एक सौ दस पर भी बेच दूंगा तो मुझे कोई टैक्स देने की जरूरत इंडेक्सेशन के कारण एक सौ दस सेलिंग प्राइस एक सौ दस प्रॉफिट ज़ीरो इसका मतलब यह हुआ कि अब आपका टैक्स बेस इंडेक्सेशन के कारण बढ़ रहा है क्योंकि हंड्रेड एंड टेन तक आपको कोई प्रॉफिट या टैक्स देने की जरूरत ये बोलता है आप हर साल इंडेक्सेशन करके इसका टैक्स बेस रिकम्प्यूट करोगे और ये रिकम्प्यूट करके आप देखोगे कि कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस में डिफरेंस आ रहा है और इस बार क्या है आपके असेट के केस में कैरिंग अमाउंट ज्यादा होता है तो टैक्सेबल कम होता है तो डिडक्टेबल ये डिडक्टेबल टेम्प्रेरी डिफरेंस है इसके ऊपर ट्वेंटी परसेंट जो आपका टैक्स रेट है इते का डी टी ए बनाना है तो फर्स्ट ईयर में आपका डी टी ए बनेगा इतना सेकेंड ईयर में तीन से और बढ़ेगा थर्ड ईयर में एक से और बढ़ेगा और डेफर्ट टैक्स असेट बढ़ रहा है यानी कि डेफर टैक्स एक्सपेंस कम हो रहा है इसलिए ये कम है और फाइनली जब आप असेट सेल कर दोगे तो उसका करस्पॉन्डिंग डी टी ए भी नहीं चाहिए उसे रिवर्स कर दो सेम या फॉर लोन अक्रूड इनकम इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स अलग अलग तरह के आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी ये सब तरह की चीज़ें दी हुई है इसका नेट कंक्लूजन यही है असेट में टैक्स बेस निकालो कैरिंग अमाउंट से ज्यादा है टैक्सेबल मानो कम है प्रेबल मानो फंडामेंटल प्रिंसिपल ध्यान रखो या फ्यूचर पीरियड में टैक्स आउटफ्लो ज्यादा होगा तो डिटेल बनेगा इस साल टैक्स बचाया है तो डिटेल बनेगा अगर फ्यूचर में ज्यादा देना लाइबिलिटी केस में ये उल्टा चले दिस इज बेसिकली योर लॉजिक जिसके ऊपर ये स्टैंडर्ड के बेसिक प्रिंसिपल्स पूरे बेस्ड है चलिए अब यहां पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरा फिफ्टीन और ट्वेंटी फोर का आप डिस्कशन समझो पैरा फिफ्टीन कहता है कि अगर इनिशियल रिकोगनीशन की तारीख पर यानी जब आप इनिशियली रिकॉर्ड कर रहे हो कोई भी असेट को अपनी बुक्स में आप सोचो उस दिन उसका कैरिंग अमाउंट बुक्स में और सेम डेट पर अगर आप इनकम टैक्स में उसे बुक करते हैं तो उस दिन उसका टैक्स में कैरिंग अमाउंट क्या होता है और अगर इनिशियल डेट पे ही दोनों के कैरिंग अमाउंट डिफरेंट आ रहे हैं तो वो डिफरेंसेस के ऊपर आप डी टी ए डी टी एल अभी नहीं बनाओगे तो आगे वो डिफरेंस रिवर्स होंगे तो उसके ऊपर भी डी टी ए डी टी एल रिवर्स नहीं होगा हालांकि ये रूल एप्लीकेबल नहीं होगा बिजनेस कॉम्बिनेशन से रिलेटेड ट्रांजैक्शन पर और अगर इनिशियल रिकोगनीशन में दोनों में फर्क आने का कारण ये है कि इनिशियल रिकोगनीशन पर ही वो डिफरेंस इनकम टैक्स में या अकाउंट्स में इनकम या एक्सपेंस बुक हो गया है ऐसी सिचुएशन में ये एक्सेप्शन नहीं लगेंगे और फिर उस केस में आपको डिफरेंस पे डीटीए डिटेल बनाना पड़ेगा पैरा फिफ्टीन बात करता है कि आप डी ना बनाएं पैरा ट्वेंटी फोर बात करता है कि आप डी ना बनाएं अब इसको समझने के लिए लेट मी टेक यू थ्रू दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल चलिए तो अब इस पर्टिकुलर केस में अपन एक एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें आप देखिए क्या हो रहा है गवर्नमेंट ग्रांट बीस हजार रुपये की हमें मिली है जिसे हमने डिफर्ट टैक्स लाइबिलिटी माना है सॉरी डिफर्ट इनकम माना है अंडर इंडिया तो आगे हॉले हौले उसे इनकम बुक करेंगे ट्वेंटी थाउजेंड सरकार से मिली हुई ग्रांट है तो सरकार उसके ऊपर टैक्स कवर नहीं कर रही तो इनकम टैक्स में एग्जाम है इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बीस हजार रुपए मिले हैं ना तो आज आपको इसे इनकम बुक करना है ना लाइबिलिटी दिखानी है कि आपको इसे लौटाना है यानी इसका इनिशियल रिकोगनीशन पे टैक्स बेस कितना हो रहा है जीरो वट इज़ द टैक्स बेस एज सच तो अपन बोलते हैं भैया कैरिंग अमाउंट लाइबिलिटी के में क्या होता है कैरिंग अमाउंट माइनस अमाउंट डिडक्टेबल इन फ्यूचर तो कैरिंग अमाउंट बीस हजार है और फ्यूचर में ये बीस हज़ार रुपये जब अपने को रिसीव होंगे या कंडीशन फुलफिल होंगे तो भी टैक्स नहीं होंगे तो पूरा का पूरा बीस हज़ार डिडक्टेबल है इसका मतलब हमारा टैक्स बेस जीरो है तो दोनों में देखेंगे तो आप इनिशियल रिकोगनीशन पर ही डिफरेंस आया क्या ये डिफरेंस बिजनेस कॉम्बिनेशन के कारण आया है नहीं क्या इस डिफरेंस से अकाउंट्स या टैक्स के किसी के भी प्रॉफिट इंपैक्ट हुए हैं क्या नहीं तो इसका मतलब ये इनिशियल रिकोगशन का डिफरेंस है जो इग्नोर हो जाएगा और अगर ये इग्नोर हुआ तो ऑब्वियस सी बात है कि बाद में जब ये रिवर्स होगा तो भी इस पर कोई इंपैक्ट अगर ये इग्नोर नहीं होता तो क्या होता तो आप बुक्स में लाइबिलिटी बुक कर रहे हो तो कैरिंग अमाउंट अगर ज्यादा होता है किसी ही लाइबिलिटी का टैक्स बेस से तो उसके ऊपर टैक्स असेट बुक होता है तो आप क्या करते हैं आप बीस हज़ार पर अगर तीस परसेंट टैक्स रेट है तो आप छः हज़ार रुपये का डीटीए बना देते हैं ये कह के कि भैया बीस हज़ार रुपये आज मुझे मिले हैं और इस इसमें मुझे टैक्स नहीं देना होगा तो ये मेरी टैक्स की बचत है डीटीए टी एब इसी बात है अजीब सी बात है इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है आप सीधे सीधे बीस हज़ार की एग्जाम इनकम को जब भी बुक करना चाहें बुक कर लें इसका कोई टैक्स इंप्लीकेशन नहीं होना चाहिए तो ये एक एग्जाम्पल हो सकता है जहां पे आप इनिशियल रिकॉग्निशन के डिफरेंस पे डी डीटीएल नहीं बना रहे लेकिन दूसरा केस देखते हैं Suppose, एक पिलरी एक्सपेंस पचास हजार रुपए का इनकर हुआ है और इनकम टैक्स में ये पांच साल में डिडेक्टेबल तो इनकम टैक्स में इनिशियल रिकगनीशन पे फिफ्टी थाउजेंड रुपीज का असेट दिखेगा और दस दस हजार हर साल डिडेक्ट होगा पर अकाउंट्स में आप इसे असेट बुक ही नहीं कर सकते क्योंकि इन 38 थर्टी एट में आपको खर्चा बुक करना पड़ेगा तो इनिशियल रिकोगनीशन पे ही पचास हजार का डिफरेंस आ गया कैरक अमाउंट जीरो टैक्स बेस्ट फिफ्टी थाउजेंड पर क्योंकि अकाउंट में यह खर्चा पी आर एल में डेबिट हुआ है इसलिए इसके ऊपर पैरा फिफ्टीन या ट्वेंटी फोर नहीं लगेगा इस पर डीटीए डिटेल बनाना है असेट के के अमाउंट अगर कम होता है तो डीटीए बनता है तो फिफ्टी थाउजेंड पे पंद्रह हजार रुपए का हमारा क्या बनना चाहिए ए डिडक्टेबल डिफरेंस कब साल के लॉजिकली सही भी है क्यों क्योंकि आज आपने खर्चा बुक कर दिया अकाउंट्स में पर इनकम टैक्स में क्लेम नहीं किया है तो इसको होले होले आपको आगे फ्यूचर में डिडक्शन मिलेगा तो अच्छी बात है आगे, आगे आपकी टैक्स लाइबिलिटी बचेगी तो इस कारण से अब आप क्या कर दीजिए आज आप प्रॉफिट दिखा रहे हो पचास हज़ार से कम पर टैक्स पूरे पे दे रहे हो क्योंकि आज डिडक्शन मिला नहीं है आने वाले 5 सालों में मिलेगा तो आज टैक्स ज़्यादा पे कर रहे हो तो आगे बचेगा तो इसलिए डी ये भी एक लॉजिक है समझने का तरीका है समझने का फर्स्ट ईयर खत्म होगा तो ये तो जीरो ही रहेगा पर इनकम टैक्स में दस क्लेम कर लिया तो फोर्टी बचेगा तो फोर्टी के ऊपर डी कितने का चाहिए बारह तो मैंने साल के शुरू में बनाया पंद्रह साल के अंदर में चाहिए बारह तो इस साल तीन हजार का डीटीए रिवर्स हो गया तो दो एंट्री होगी इस साल एक फिफ्टीन थाउजेंड का डी साल में क्रिएट होगा और दूसरा थ्री थाउजेंड का डी रिवर्स होगा क्रिएट होने से आपका डेफिट टैक्स एक्सपेंस कम होगा और रिवर्स होने से आपका डेफिट टैक्स एक्सपेंस बढ़ेगा ईयर एंड में इफेक्टिवली टेल्व का आपके पास डीटीए बचेगा सपोज आपने एक साइंटिफिक रिसर्च की असेट खरीदी है दस हजार रुपए में जिसका वन ट्वेंटी फाइव परसेंट अप्रिसिएशन अवेलेबल है इनकम टैक्स तो इनकम टैक्स के हिसाब से कितना अमाउंट डिडक्टेबल होगा इसमें ट्वेल्व थाउजेंड फाइव हंड्रेड और अकाउंट्स में तो ये दस हज़ार की बुक हो रही है तो इनिशियल रिकॉग्निशन पे ही ट्वेंटी फाइव हंड्रेड का डिफरेंस आ गया पर क्या ये डिफरेंस अकाउंट या टैक्स के प्रॉफिट को आज अफेक्ट कर रहा है नहीं क्या ये बिजनेस कॉम्बिनेशन से रिलेटेड है नहीं तो ये जो ट्वेंटी फाइव हंड्रेड का इनिशियल रिकॉग्निशन डिफरेंस है इस ट्वेंटी फाइव हंड्रेड को आप डी टी ए डी टीएल के लिए इग्नोर करोगे कौन सा पैरा लग रहा है फिफ्टीन ट्वेंटी फोर इन दोनों में कौन सा लग रहा है डी के लिए फिफ्टीन है और डी के लिए ट्वेंटी तो आप देखो असेट का कैरिंग अमाउंट अगर कम है और टैक्स बेस ज्यादा है तो इस पर डीटीए बनता है तो इसका मतलब ट्वेंटी के कारण हम इस पर डीटीए नहीं बनाएंगे अब एक साल बाद इसपे दस परसेंट अकाउंट्स में डपरी लगा तो ये नौ हजार हो गया और इनकम टैक्स में आपने हंड्रेड एंड ट्वेंटी फाइव परसेंट पूरा क्लेम कर लिया तो इसका टैक्स बेस जीरो हो गया क्योंकि अब इसमें फ्यूचर में नहीं मिलेगा फर्स्ट ईयर में ही पूरा मिल गया साइंटिफिक रिसर्च असेट में होता है तो आप देखिए कैरिंग कैरिंगमाउंट न और टैक्स बेस न ले तो इसका मतलब आपको नौ हजार रुपए के डिफरेंस पेयरेंट पे डी टी एल बनाना पड़ेगा बिकॉज दिस इज अ टैक्सेबल टेम्पर डिफरेंस तो ओपनिंग में कुछ नहीं और क्लोजिंग में डीटीएल ट्वेंटी सेवन हंड्रेड लॉजिकली सही है इस साल आपने बारह पांच सौ का एक्सपेंस बुक किया है जिसमें से ट्वेंटी फाइव हंड्रेड तो आपको एक्स्ट्रा ही मिला है जो आपको अकाउंट्स में बुक करना नहीं है तो भूल जाओ तो दस हजार का एक्सपेंस इनकम टैक्स में क्लेम किया है पर अकाउंट्स में सिर्फ एक हजार का बुक किया है तो नौ का आपने इनकम टैक्स इस साल कम पे किया है आगे पे करना पड़ेगा तो डीटीएल नौ पे बनेगा थर्टी से ट्वेंटी सेवन हंड्रेड तो ये ब्यूटिफुली डिजाइंड इस तरह के एक्जाम्पल है जो आप समय समय पर कॉन्सेप्ट को और फाइन ट्यून करने के लिए साथ साथ में देख सकते हो और इसी के साथ पैरा फिफ्टीन और ट्वेंटी फोर का एक कॉन्सेप्ट आता है बस ये ध्यान रखना कि यही चीज़ अगर बिजनेस कॉम्बिनेशन में होगी तो फिर वो एक्सेप्शन में कवर नहीं होगी फिर उसके ऊपर डीटील डिटेल बनाना पड़ेगा गुडविल के ऊपर डिटेल बनाना इनिशियल पे परमिटेड नहीं है पर अब ये इंडियन कॉन्टेक्स्ट में रेलिवेंट नहीं है जिसे अपन बिजनेस कॉम्बिनेशन स्पेशल इश्यूज में डिस्कस करेंगे जर्नल एंट्रीज क्या होती है डिफर टैक्स अगर एक्सपेंस है तो डिफर टैक्स एक्सपेंस टू डी टी एल या डी टी ए कम हुआ होगा और अगर सेविंग्स है तो डिफर टैक्स एक्सपेंस क्रेडिट होगा और इस साल या तो डी टी ए बड़ा होगा या डी टी एल कम होगा ये जो भी नेट है ये आपका डेफिट टैक्स एक्सपेंस है जो पीओरएल रिजर्व डिपेंडिंग इनकम कहां पर बुक हुई है उस हिसाब से एडजस्ट कर दिया जाएगा करंट टैक्स एक्सपेंस की एंट्री क्या होगी सिंपल इस साल का करंट टैक्स 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 एक्सपेंस टू प्रोविजन फॉर जो रिजर्व भी आपने टैक्स निकाला है उसके ऊपर आप बुक कर दें करंट टैक्स और डेफिट टैक्स एक्सपेंस आपका टोटल टैक्स एक्सपेंस है जो पीओरएल में टैक्स एक्सपेंस में दिखाया जाएगा ये जो मैंने आपको बताया कहां से रिकोगनाइज करना है और इसके साथ ही आपका बेसिक प्रिंसिपल कंप्लीट हो जाता है डिफर टैक्स असेट लाइबिलिटी कैसे बुक करना है कैसे निकालना है अब इसके बाद आता है कंसेप्ट डिफर टैक्स असेट में प्रूडेंस का सेक्शन 43 बी कहता है इनकम टैक्स में कि हमें आप स्टैचुटरी ड्यूज या प्रोविजन फॉर बोनस ग्राचुटी या इंटरेस्ट ऑन लोन्स फ्रॉम शेड्यूल बैंक इस तरह के कुछ ऐसे एक्सपेंसेस जो अगर आप रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट से पहले पे कर दोगे तो आप सेम ईयर में डिडक्शन ले लो नहीं तो फिर जब पे करोगे तब डिडक्शन देंगे तो समझो मैंने एक हज़ार रुपये के प्रॉफिट्स निकाले बिफोर स्टैचुटरी ड्यू का प्रोविजन और स्टैचुटरी ड्यू का टू फिफ्टी का प्रोविजन बनाया तो अकाउंटिंग प्रॉफिट आया सेवन फिफ्टी लेकिन टैक्स में डिडक्ट नहीं हुआ क्योंकि रिटर्न फाइल करने की तारीख तक या ड्यू डेट तक मैंने इसे पे नहीं किया था तो मुझे इनकम टैक्स पूरे एक हजार के ऊपर देना पड़ेगा इससे पर कोई दिक्कत नहीं है आने वाले सालों में मेरा टैक्स कम होएगा जब मैं इसे पे करूंगा तो डिडक्शन मिलेगा तो डीटीए बनना चाहिए मैं सेवेंटी फाइव का डीटीए बन कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस के लॉजिक से देखना है तो आप देख लीजिए आपके स्टैच्यूटरी ड्यूज का कैरिंग अमाउंट टू फिफ्टी पर इनकम टैक्स में क्लेम नहीं हुआ है तो जीरो लाइबिलिटी में कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस से ज्यादा है तो डीटीए अब सेवेंटी फाइव का क्या करेंगे डीटी सॉरी कैरिंग अमाउंट अगर लाइबिलिटी का टैक्स बेस से ज्यादा है तो डीटीए तो आप क्या करेंगे डिटी ए क्रिएट करेंगे 75 का का यानी टैक्स एक्सपेंस अब क्योंकि आप डेफिट टैक्स असेट बुक कर रहे हो तो इसका मतलब क्या है नेक्स्ट ईयर जब आप 250 पे करोगे तो आप अगले साल के प्रॉफिट से उसे डिडक्ट कर सकते हो तो अगर कंपनी के अगले साल के प्रॉफिट 250 फिफ्टी आए और ये 250 पे कर दिया तो टैक्स जीरो देना पड़ेगा पर सपोज अगर अगले साल कंपनी का प्रॉफिट हुआ जीरो और ये 250 पे कर दिया और तो नेक्स्ट ईयर टेक्निकली स्पीकिंग टू हंड्रेड का आपका क्या फॉरवर्ड लॉस होगा जो आप आठ साल तक क्या फॉरवर्ड करोगे और आपको लगता नहीं है कि आने वाले आठ सालों में भी आपकी वापस से प्रॉफिट्स में आने वाली है तो क्या इनकम टैक्स आपको इसका रिफंड देगा क्या जो आपने इस साल टैक्स ज़्यादा पे कर दिया क्योंकि इस साल ये फोर्टी भी पे नहीं हुआ था नहीं इनकम टैक्स बोलेगा हम आपको प्रीवियस ईयर में चेंज नहीं करने देंगे जिस साल पे करोगे उस साल डिडक्शन देंगे प्रॉफिट नहीं है तो कैरी फॉरवर्ड करने देंगे लॉस आठ साल तक कैरी फॉरवर्ड होएगा उसके बाद भी नहीं हुआ तो लैप्स हो जाएगा इस पर्टिकुलर रीजन से एक चीज़ समझना है कि डेफर्ट टैक्स असेट में कंटिजेंसी है ये तभी काम आएगा जब फ्यूचर में आपके पास टैक्सेबल प्रॉफिट होंगे नहीं तो सरकार इसका रिफंड नहीं देगी तो इस कारण से इंडेस कहता है कि डेफर्ट टैक्स असेट क्रिएट करने के लिए प्रूडेंस का होना बहुत जरूरी तो टैक्स असेट तीन चीजों पे क्रिएट होता है एक डिडक्टेबल टेम्पररी डिफरेंस जो कब आता है असेट्स के केस में अगर कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस से कम है लाइवलिटी के केस में अगर कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस से ज्यादा है इसके अलावा हो सकता है कि आपके पास इनकम टैक्स में कैरिड फॉरवर्ड लॉसेस हो इसके अलावा मैड क्रेडिट हो ये दोनों स्पेशल केस है बाद में डिस्कस करते हैं पहले लेट्स टॉक अबाउट डिडक्टेबल टेम्पररी डिफरेंस इंडेक्स कहता है अगर आपके पास डिडक्टेबल टेम्पररी डिफरेंस है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आप उस उसमें मस्त डी बना सकते हो पर कितना जितना आपको उम्मीद है कि फ्यूचर में आपको टैक्सेबल प्रॉफिट होंगे तो इस साल अगर आपने 250 का स्टैचूटरी ड्यू नहीं पे किया है आगे जब पे करोगे तो डिडक्शन मिलेगा पर आपको इतनी उम्मीद होना चाहिए कि फ्यूचर में आपको टू हंड्रेड एंड फिफ्टी प्लस के टैक्सेबल प्रॉफिट तो होने की उम्मीद है अगर ऐसी उम्मीद है तो आप पूरे पे अभी डीटीए बना दो हर साल रीएस्टिमेट करते रहना कभी एस्टिमेट चेंज हो जाए तो डीटीए रिवर्स कर देना प्रोस्पेक्टिवली चेंज इन एस्टिमेट नो प्रॉब्लम पर इंडेस कहता है कि इसके अलावा दो और संभावनाएं सपोज आपकी कंपनी में टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस और डिडक्टेबल टेम्पररी डिफरेंस दोनों है क्या मतलब इसका कुछ ऐसी चीजें हैं जिसपे मुझे आने वाले सालों में सरकार को टैक्स देना पड़ेगा मतलब हमारी कंपनी में बहुत सारा फॉरन एक्सचेंज गेंद हमने बुक कर रखा है जिससे हमारी असेट्स काफी बढ़ गई है इनकम टैक्स में जब वो रियलाइज होगी तभी टैक्स होगी कोई फेयर वैल्यू गेन है जो मैंने बुक कर रखा है इनकम टैक्स में वो जब बेचूंगा तभी टैक्स होगी तो आज मेरी बुक्स में कैरिंग अमाउंट असेट का फेयर वैल्यू गेन के कारण ज्यादा है टैक्स बेस में क्योंकि वो इनकम आज टैक्स नहीं हुई है तो टैक्स उसके टैक्स बेस कॉस्ट के बराबर है फॉर so एग्जाम्पल मेरी एक असेट कॉस्ट सौ रुपये फेयर वैल्यू दो सौ रुपये टैक्स बेस सौ का सौ ही है तो मैंने अकाउंट्स में सौ रुपये का प्रॉफिट बुक किया है पर उस पर अभी तक टैक्स नहीं दिया है कैरिंग अमाउंट ज़्यादा होता है टैक्स बेस से तो मैं उसके ऊपर डी बनाता हूँ तो थर्टी का मैं डी बना चुका हूँ तीस की टैक्स रेट से तो मैंने कहा कि कैरिंग अमाउंट मेरे लच्छे फॉर एग्जाम्पल एक असैटिका टू हंड्रेड है फेयर वैल्यू गेन बुक करने के बाद बट टैक्स बेस सौ है तो ये टैक्सेबल टेम्प्रेरी डिफरेंस माने जाएंगे जिसके ऊपर मुझे डी टी एल अगर थर्टी परसेंट टैक्स रेट है तो थर्टी का बनाना होगा अब मुझे ये बताया कि अगले साल में या आने वाले सालों में जब मैं इसे बेचूंगा दो सौ में भी बिका तो सौ रुपये इनकम टैक्स में टैक्स देना होगा अब इसी के अगेंस्ट मेरे पास वो टू फिफ्टी का प्रोविजन फॉर स्टाचुटरी ड्यूज पड़ा हुआ है तो ऑबियस सी बात है कि मुझे अगर फ्यूचर में टैक्स कमाने की उम्मीद नहीं भी हो फिर भी अगर फ्यूचर में मैं ये जब पे करूंगा तो इस पर मुझे टैक्स देना पड़ेगा अगर उसी पीरियड में या उससे पहले मैंने ये पे कर दिया तो मैं इसको इससे डिडक्ट कर पाऊंगा तो इसके लिए इंडेस कहता है कि अगर आपकी कंपनी में टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस है जिसके अगेंस्ट में डिडक्टेबल टेम्पररी डिफरेंस ऑफसेट हो सकते हैं तो उस एक्सटेंट तक डी बनाने में कोई दिक्कत नहीं है उसे प्रूडेंट ही माना जाएगा देर इज एप्सोल्यूटली नो प्रॉब्लम पी सी इनकॉर्पोरेट एक अप्रैल में हुई है थर्टी फर्स्ट मार्च में उस पर टेम्प्रेरी डिफरेंस टैक्सीबल है एक लाख चौबीस हज़ार जो चार साल में रिवर्स होंगे तो इसका मतलब थर्टी वन थाउजेंड रुपीज़ आने वाले चार सालों में आपको क्या करना है लगता है आपको कि इसके ऊपर टैक्स ज्यादा पे करना पड़ेगा आपने इनकम टैक्स में ज्यादा डिपरी क्लेम कर लिया अभी और आगे जाके आपको इनकम टैक्स में डेपरी कम मिलेगा तो इसके लिए आप डेफर टैक्स लाइबिलिटी आप 124 में बनाओगे जो आने वाले चार सालों में थर्टी वन थर्टी वन थर्टी वन करके रिवर्स होगी तो आपको मालूम है इतने के ऊपर आपको टैक्स आगे देना पड़ सकता है उधर आपके डिडक्टेबल टेम्प्रेरी एक्सपेंस के अस्सी के जो पाँच साल में एडजस्ट होंगे तो इसका मतलब आप क्लियरली बोल सकते हो कि आने वाले पाँच सालों में सोलह हजार रुपये का आपको हर साल इनकम टैक्स में डिडक्शन मिलेगा ये टैक्सेबल है या डिडक्टेबल डिडक्टेबल क्योंकि इस साल अकाउंट्स में खर्चा बुक हुआ है पर इनकम टैक्स में होले होले मिले तो इस पर डीटीए बनना चाहिए पर डिडक्टेबल पर डीटीए बनाने के लिए प्रूडेंस क्या कहती है कि भैया आपको प्रॉफिट होने की उम्मीद है तो ही डीटीए बनाना तो हमने बोला कोई दिक्कत नहीं है जितना हमारे पास टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस है उतने तक डीटीए बनाने में कोई दिक्कत नहीं पर अब दिक्कत यह है कि ये होगा चार साल में सोलह सोलह करके रिवर्स और ये होगा चार साल में थर्टी वन थर्टी वन करके टैक्स पे पे फिफ्थ ईयर में ये सोलह रिवर्स होगा पर उससे पहले ही मैं पूरा टैक्स दे चुका हूँगा तो यहाँ पर अगर मेरे पास कोई टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस नहीं है तो यहाँ पे फिर मुझे उम्मीद होना चाहिए कि यहाँ पे मुझे फिर टैक्सेबल प्रॉफिट्स होंगे अगर हैं तो फिर मैं इसके ऊपर डी बनाऊंगा नहीं तो नहीं बनाऊंगा क्वेश्चन में कहा है कि हमें लगता है हम कंटिन्यूसली पाँच साल तक लॉसेस करेंगे हालांकि लॉस कैरी फॉरवर्ड हो सकते हैं बैकवर्ड नहीं हो सकते तब आप बताइए क्या करेंगे तो मैं बोलूँगा कि भाई देखो थर्टी वन थाउजेंड इंटू फोर वन लाख ट्वेंटी फोर थाउजेंड पे बीस परसेंट से डी बनेगा और सोलह हजार इंटू चार सिक्सटी फोर थाउजेंड पे ट्वेंटी परसेंट से बारह हजार आठ सौ का डी बनेगा कब आज थर्टी फर्स्ट मार्च ट्वेंटी वन रही बात ये सोलह जो बच गया इसके ऊपर डी बनाने के लिए प्रोडेंस कहती है फ्यूचर टैक्सीबल इनकम होने की उम्मीद होना चाहिए जो नहीं है ना ही कोई टैक्सेबल टेम्प्रेरी डिफरेंस बचेंगे उस पीरियड तक जिसके अगेंस्ट इसको एडजस्ट कर पाएंगे क्यों क्योंकि ये सब यहाँ तक टैक्स हो गए अब ये कैरी फॉरवर्ड ही होगा तब इसमें एक तीसरी कंडीशन है इंडियस इसके अलावा कहता है कि अगर आप ये भी प्रूव कर दो कि आपके पास टैक्स प्लानिंग अपॉर्चुनिटी है इसका मतलब आपके पास कुछ ऐसी एसेट्स रखी हुई हैं जिसमें आपको श्योर है कि गेन होना ही है और वह गेन आपको इनकम टैक्स में कब टैक्स करना पड़ेगा जब आप उसे बेचोगे जैसे कि लच्चे फॉर एग्जाम्पल मेरी कंपनी के पास रिलायंस के शेयर है जो मैंने खरीदे थे कब जब तीस रुपए के थे आज तीन हजार के बिजनेस है मेरा बिजनेस प्रॉफिट का पार्ट है तो मेरी जब इच्छा है मैं इसे बेच के प्रॉफिट बुक करके इस पर टैक्स दे दूंगा अज्यूमिंग बिजनेस प्रॉफिट में आता है तो अब आप समझिए कि अब मेरा कोई अगर ऐसा खर्चा है जो लैप्स हो रहा है कैरिट तो फॉरवर्ड लॉसेज है मेरे या फिर ये डिडक्टेबल टेम्प्रेरी डिफरेंस है सोलह हजार का जो लैप्स हो जाएगा या पाँचवें साल में मैं क्लेम नहीं कर पाऊंगा तो मैं सिंपली या पाँचवें साल में मेरे प्रॉफिट नहीं हुए तो मुझे एडजस्ट करने को नहीं मिलेगा तो मेरे पास अपॉर्चुनिटी है कि मैं पाँच साल में थोड़े इन्वेस्टमेंट बेच के उतना प्रॉफिट बुक कर लूंगा ताकि ये सोलह हज़ार डूबने से बचा लूँ वही सीधी सी बात है ना आपको मालूम है कि एक तरफ आप अपना प्रॉफिट कमा सकते हो जिस पर टैक्स देना पड़ेगा और दूसरी तरफ आपके पास कुछ ऐसी संभावनाएं हैं जिससे आप अपना टैक्स बचा सकते हो इस साल नहीं बचाया तो अगले साल आप नहीं बचा पाओगे तो डेफिनेटली आप इस साल थोड़ा सा क्या कर सकते हो टैक्स प्लानिंग करके एसेट बेच के उतना प्रॉफिट कमा के

जितना आप आने वाले समय में सेट ऑफ कर सकते हो नेट ऑफ एक्सपेंस अगर डायरेक्ट प्लानिंग अपॉर्चुनिटी में कोई खर्चा होने वाला उतने के ऊपर आप डीटीए रिकनाइज कर सकते हो अगर टैक्स प्लानिंग अपॉर्चुनिटी है उतना बुक कर टैक्स लो टैक्सेबल टेम्परे डिफरेंस है जब डिडक्टेबल रिवर्स होंगे तो उस एक्सटेंड तक आप डीटीए बुक कर लो पर ये दोनों ही नहीं है फिर आपको एक रीजनेबल सर्टनिटी होना चाहिए क्या क्या आप फ्यूचर में टैक्सेबल प्रॉफिट सेम टैक्स अथॉरिटी में कमाओगे जिससे आप डिडक्टेबल टेम्परे डिफरेंस एडजस्ट कर पाओगे क्या इसको हमें प्रूव करना पड़ेगा तो देखो अगर कंपनी ऑलरेडी लॉसेस इनकर कर रही है तो तो आपको कन्विंसिंग एविडेंस से प्रूव करना है क्योंकि आप कंपनी लॉस में और ये बोल रही है आगे प्रॉफिट होगा जिससे मैं सेट ऑफ कर पाऊंगी चांस कम है। पर अगर आप लॉस में नहीं हो तो फिर उस केस में आप डीटीए बुक कर सकते हो बेस्ड ऑन रीजनेबल ऑर्डिंगली पैसा कहते हैं लॉस मेकिंग कंपनी के केस में फ्यूचर टैक्सेबल प्रॉफिट शुड बी विद कन्विंसिंग एविडेंस जैसे कि मेरे को कोई एक्सपोर्ट ऑर्डर मिल गया है सरकार की सब्सिडी प्रूव हो गई है या मेरा इस साल का लॉस का कोई एक एक्सेप्शनल लॉस का कारण था जो आगे हर साल नहीं होगा तो आप कन्विंसिंग एविडेंस से प्रूव कर सकते हो सब बिजनेस प्लान और उम्मीद के बेसिस पे नहीं होना चाहिए और अगर कंपनी ऑलरेडी प्रॉफिट में है तो आपको लगता है आगे भी प्रॉफिट रहेंगे तो आप उस बेसिस पे मान सकते हो प्रॉफिट होंगे और डीटीए रिकॉर्ड कर सकते हो तो डिडक्टेबल टेम्पर डिफरेंस पे आप डी रिकॉर्ड करेंगे कब असेट के केस में कैरियर अमाउंट कम और लाइबिलिटी में ज्यादा होता है तो उसे डिडक्टेबल टेम्प्रेरी डिफरेंस मानते हैं अगर आपके पास टेक्सीबल टेम्प्रेरी डिफरेंस आने वाले समय में है या अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है एंड ऑफ एक्सपेंसिस या प्रोबाबल टू अन प्रॉफिट है तो आप डी टी ए बुक कर सकते हैं सिमिलरली अगर आपकी कंपनी के पास कैरीड फॉरवर्ड लॉसेस है जैसे आप समझो मैंने कोई कंपनी खरीदी उसके पास एक्यूमलेटेडेडेड लॉसेस है एक करोड़ के और वो मैं अब अपने प्रॉफिट से सेट ऑफ कर पाऊंगा और मेरी कंपनी में काफ़ी प्रॉफिट है तो ऑब्बियस ही बात है मैं उस पर डीटीए बुक करना चाहूंगा क्यों, क्यों? क्योंकि उससे मेरे आने वाले समय के टैक्स प्रॉफिट्स कम होने वाले हैं या टैक्सेबल लाइबिलिटी मेरी कम होने वाली है तो आज आप डी टी ए कैरिड फॉरवर्ड लॉस पे बुक कर सकते हो पर इस केस में आपको कन्विंसिंग एविडेंसेस के साथ सर्टनिटी होना और मैट क्रेडिट भी अगर आपको लगता है आगे आप यूज कर सकते हो तो उस पर भी डी बुक कर सकते हो ये आपका डिडक्टेबल टेम्प्रेरी डिफरेंस है उससे एसोसिएटेड डी टी ए का एक सिम्पल सा discussion एक बहुत ही स्पेसिफिक अमेंडमेंट आया था ये डी डी टी रिलेटेड है तो आप स्किप कर सकते हो यहाँ पर सिम्पली ये कहा था कि कई बार हो सकता है आप जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कर रहे हो डिस्प्यूटेड केसेज में खासतौर पर आप मान रहे हो इस पर टैक्स नहीं देना पड़ेगा इसलिए आपने प्रोविजन नहीं बनाया पर मैटर अंडर लेटिगेशन है तो ऐसे केस में जो आपने किया है अगर चांसेस वही होने के ज्यादा हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आप नोट्स में एक कंटेंजेंट लाइबिलिटी जैसा डिस्क्लोजर दे दो जैसे कि आईसीआई ने हालांकि इंडेज नहीं लगते पर समझने के लिए इनकम टैक्स एक्सपेंस बुक नहीं किया ये कह के कि, कि भाई हमारे पास नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूट का एक्सम्शन होना चाहिए इसलिए हमें टैक्स एक्सपेंस देने की ज़रूरत नहीं है हालांकि इनकम टैक्स ने इसके ऊपर केस लगा रखा है अभी लिटिगेशन में तो टैक्स एक्सपेंस इनका आई बुक नहीं कर रहा है और एक कंटेंजेंट लाइब्रिटी शो कर दे कि वही केस चल रहा है पर अगर हमने टैक्स एक्सपेंस बुक नहीं किया ये मानते हुए कि हम आगे केस लड़ेंगे और जीतेंगे पर संभावना जीतने की कम दिख रही है क्यों क्योंकि ऑलरेडी लोअर कोर्ट्स में या बेसिक लेवल पे हार चुके हैं तो फिर इंडेज कहता है कि अगर अनसर्टनिटी आपके टैक्स ट्रीटमेंट में और जो ट्रीटमेंट आपने दिया है वो ज़्यादा प्रोबेबल नहीं है यानी उसके होने के चांसेस कम है तो उस पर्टिकुलर केस में आप अपनी बुक्स में अपना अकाउंटिंग ट्रीटमेंट वैसा करेंगे जैसा इनकम टैक्स में होने की चांसेस ज़्यादा है यानी भले ही आपकी पोजीशन यह है कि भैया मैं नॉट वॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हूं मैं आईसीआई हूं इसलिए मुझे टैक्स नहीं देना चाहिए तो इस कारण से मैं टैक्स एक्सपेंस बुक नहीं करूंगा पर अगर आपको लग रहा है शायद आप ये केस नहीं जीत पाओगे तो फिर आप अभी से टैक्स एक्सपेंस एक्स बुक कर दीजिए कितना बुक करोगे तो अगर आपको लगता है कि दो ही पॉसिबिलिटी या तो केस जीतूंगा या हारूंगा हारूंगा तो तीस या पच्चीस देना पड़ेगा तो आप फ्लैट उस रेट से बुक कर दो आपको लगता है मल्टीपल पॉसिबिलिटी है हो सकता है कि आउटकम ऐसा आ सकता है टेन परसेंट चांस है कि मैं जीत जाऊं फोटी परसेंट चांस है कि सिर्फ मेरी उन एक्टिविटीज़ को टैक्स किया जाए जो कमर्शियल नेचर की है जैसे कैंपस रिक्रूटमेंट प्रोग्राम मेंबर की एक्स्ट्रा ट्रेनिंग्स और ये सब और जो स्टूडेंट्स है फीस वगैरह में चार्ज कर रहा हूँ उस पर जो सरप्लस बच रहा है उस पर टैक्स ना लगे और फिफ्टी परसेंट चांस है कि सब पे टैक्स लग जाए तो मल्टीपल आउटकम जब होते हैं तो आप सबका वेटेड एवरेज कैलकुलेट करके टैक्स एक्सपेंस कैलकुलेट करोगे तो मुद्दे की बात इतनी सी है दोस्तों कि आपको अगर लगता है कि आप जो कर रहे हो इनकम टैक्स में भी वैसे ही होगा अंडर अ लिटिगेशन केस तो आप सिर्फ डिस्क्लोजर और कंटीजेंट लाइबिलिटी शो करोगे पर आपको लगता है इनकम टैक्स में कुछ और होगा और आपका स्टैंड कुछ और है तो जो चांसेज इनकम टैक्स में होने के ज्यादा है वो आप फॉलो करेंगे जब भी आप टैक्स रेट लेंगे तो ध्यान रखना फ्यूचर टैक्स रेट लेनी है किसके लिए डी टी के लिए DTA, और करंट टैक्स रेट लेनी है किसके लिए करंट टैक्स एक्सपेंस के लिए फ्यूचर टैक्स रेट क्या होगी तो आपको वो रेट लेनी है जब आपके टेम्प्रेरी डिफरेंस रिवर्स होने की उम्मीद है इसका मतलब सपोज आपके प्रिलिमिनरी एक्सपेंस पचास लाख है और आपने अकाउंट्स में पूरा खर्चा बुक किया है इनकम टैक्स में दस लाख का ही हर साल डिडक्शन मिल रहा है और तीन साल तक कंपनी को टैक्स हॉलीडे तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड ईयर में जो डिफरेंस रिवर्स हो रहे हैं और उसमें आपका टैक्स रेट जीरो परसेंट है फोर्थ और फिफ्थ ईयर में जो रिवर्स होंगे उसमें आपका टैक्स रेट थर्टी परसेंट है आप ये देखोगे कि मेरे जो फोर्थ और फिफ्थ ईयर में रिवर्स होने वाले हैं उस पर तीस परसेंट सेकेंड और थर्ड ईयर में जो होंगे उसके ऊपर जीरो परसेंट से मैं क्या करूँगा डी टी ए बुक कर क्योंकि यहाँ कैरिंग अमाउंट कम है टैक्स बेस ज्यादा <coughs> और यह सेट है तो आप क्या करेंगे आप इस लॉजिक से टैक्स रेट कौन सा लोगे जिस समय वो रेट जो लगता है आपको जब होगा जब डिफरेंस रिवर्स होगा अगर अलग अलग टैक्स रेट हैं फ्यूचर ईयर्स के और आपको बताएँ <coughs> तो फिर आप एस्टिमेट कर लीजिए कि आपके डिफरेंस कब रिवर्स होंगे और उस साल क्या टैक्स रेट होगा वो कंसिडर कर लीजिए उसका एक्जाम्पल है रेट के, के केस में आप वेटेड एवरेज टैक्स रेट लेंगे बहुत ज़्यादा रिलिवेंट नहीं होगा क्योंकि इंडिविजुअल्स पे स्लैब रेट होते नहीं है इंडिविजुअल्स पे होते हैं कंपनी पे होते नहीं और इंडि कंपनी फॉलो करती है बट फिर भी आपको दिया हुआ है हो सकता है एक ही असेट के ऊपर अलग अलग टैक्स रेट एप्लीकेबल हो जैसे कि मेरी तीन हजार की जमीन है <coughs> अगर मैं इसे स्लम सेल में बेचूंगा ना तो इसकी तीन हज़ार ही कॉस्ट आएगी और पूरा प्रॉफिट बिजनेस प्रोफेशन में जाएगा पर इंडिविजुअली बेचूंगा तो इंडेक्सेशन का फ़ायदा मिलेगा और कैपिटल गेन लगेगा तो अब मैनेजमेंट का इंटेंशन अगर इसे स्लम सेल में बेचने का है मैनेजमेंट ने इसे पाँच हज़ार रुपये रिवैल्यू किया तो बोलेगा कैरिंग अमाउंट पाँच हज़ार है टैक्स बेस तीन हज़ार है तो टैक्सेबल टेम्प्रेरी डिफरेंस है क्योंकि एसेट के केस में कैरिंग अमाउंट ज्यादा है दो हज़ार का तीस परसेंट छह सौ का डी ये रिवेलूएशन गेन ओसीआई से बुक हुआ होगा तो छः सौ की ओ सी पर वहीं आपकी इंटेंशन इंडिविजुअली सेल करने की है तो इसका कैरिंग अमाउंट पांच है पर टैक्स बेस्ड इंडेक्सेशन के फैक्टर के कारण साढ़े चार है तो टैक्सेबल टेम्प्रेरी डिफरेंस पांच सौ जिसपे भी फ्यूचर टैक्स रेट नॉर्मल टैक्स रेट नहीं होगी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की होगी जो ट्वेंटी परसेंट है तो उस हिसाब से डिटेल सिर्फ सौ का बनेगा तो इज गोइंग टू बी अ डिफरेंस बेस्ड ऑन योर ओन इंटेंशन बैलेंस शीट डेट तक अगर अगले साल की रेट इनैक्ट हो गई है तो वो ले लें यह सबस्टांशली इनैक्ट हो टेप्रेरी में बजट आया टैक्स रेट अगले साल की प्रपोज की गई है और उसका अप्रूवल आ गया थर्टी फर्स्ट मार्च तक बहुत अच्छा नहीं आया है पर पास हिस्ट्री बताती है कि जो टैक्स रेट प्रपोज होती है प्रेसिडेंट वही अप्रूव करता है तो भी आप ले लीजिए पर कोई श्योरिटी नहीं है कई बार प्रेसिडेंट टैक्स रेट चेंज कर देता है फिफ्टी फिफ्टी चांस है तो फिर थर्ट मार्च पर आप जो इस साल की टैक्स रेट है वही फ्यूचर मान लो क्योंकि अगले साल की टैक्स रेट अभी तक सब्सटैशली इनैक्ट नहीं हुई है सपोज अप्रैल में प्रेसिडेंट ने अप्रूवल दे दिया इंक्रीज टैक्स रेट का तो क्या इवेंट ऑकरिंग नहीं होते हैं। से आप इसको और देख सकते। हो सकता है आपने जो फ्यूचर टैक्स रेट लिया और बाद में टैक्स रेट फिर चेंज हो जाए तो इसे चेंज इन एस्टिमेट की तरह अकाउंट फॉर करेंगे कोई डिस्काउंटिंग नहीं की जाएगी कभी भी डेफर्ड टैक्स में प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर में डीटीए डीटीएल इंडिया में नॉन करंट में दिखाए जाते हैं जो कारवाउट क्योंकि इंटरनेशनली इसे करंट नॉन करंट दोनों में दिखाया जाता है क्या डी टी डीटीएल ऑफसेट किए जा सकते हैं अगर सेम टैक्स लॉज में क्रिएट हो रहे हैं और सेम हेड की इनकम है इसलिए आपस में ऑफसेट होना परमिटेड है जैसे फोर्टी बी पे आप डी बना रहे हो और एप्री पे डीटीएल बिजनेस प्रोवाइड में ही जा रहा है तो ये ऑफसेट इनकम टैक्स में भी हो सकते हैं तो आप डी टी भी ऑफसेट करें तो रूल कहता है कि अंडर सेम टैक्स लॉस डी टी ए डीटीएल क्रिएट हो रहा है जो कि आपस में एडजस्टेबल है तो आप डी टी नेट करोगे और सपोज लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस पे आप डी बना रहे हो एंड uh, आपका कोई बिजनेस एक्सपेंस पे डी बन रहा है लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस पे डी बन रहा है अब इसी बात है लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस का डी टी ए लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस बिजनेस प्रॉफिट से सेट ऑफ नहीं होगा तो ये आपस में ऑफसेट नहीं होंगे आपकी बैलेंस शीट में डी टी ए डीटेल दोनों साथ में देखेंगे सेम वैसा ही जैसे सब्सिडरी में अगर डी टी एल है और पेरेंट में डी टी ए है तो आप इसे सेट ऑफ नहीं कर सकते क्योंकि इंडिया में लीगल एंटिटी वाइज कंसॉलिडेशन सॉरी टैक्सेशन लगता है तो कंसॉलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डी टी ए डीटेल दोनों अलग अलग से दिखेंगे मैट क्रेडिट रिसीवेबल हमेशा डीटीए का ही पार्ट दिखेगा इसलिए क्रेडिट नॉन करंट असेट में दिखेगा करंट टैक्स में जो प्रोविजन फॉर टैक्स पेबल या एडवांस अगर आपने पे किया है तो वो अलग से करंट नॉन करंट में डिपेंडिंग आप कब पे करोगे उसके ऊपर जाएगा नॉर्मली करंट लाइबिलिटी में आएगा रिफंडेबल है तो करंट टैक्स असेट में आ जाएगा अगर ज्यादा पे किया ध्यान रखना एक असेसमेंट ईयर का टैक्स लाइबिलिटी और उस साल का आपने एडवांस टैक्स पे किया है वो नेट करके दिखाया जाएगा पर पिछले साल का रिफंड बाकी और इस साल में लाइबल है तो दोनों अलग अलग आपको शो करना पड़ेगा बाकी मेजर सारे कॉम्पोनेट्स रेफर टैक्स के आपको डिस्कलोज करना है चेंज इन एस्टिमेट्स फ्यूचर टैक्स रेट्स क्या यूज यूजेंस कहा से बुक किया ये सब आपको लेना है और ये अप्रोच है जिसको मैंने आपको बाद में बताया स्पेशल इश्यूज इतने सारे क्रिएट होते हैं जिनके ऊपर क्वेश्चन बन सकते हैं इन इश्यूज को वेरी क्विकली एंड ब्रीफली मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के केस में इनिशियल रिकोगशन में डिफरेंस आएगा हो सकता है कि आपने एक कन्वर्टेबल कम रिडीमेबल डिबेंचर इशू किया हो पाँच लाख का तो उसका टैक्स बेस तो पाँच लाख ही होगा तो क्योंकि उसमें कन्वर्जन ऑप्शन है तो हो सकता है उसमें इक्विटी कॉम्पोनेंट आ जाए से चार लाख का फाइनेंशियल लाइबिलिटी और एक लाख का इक्विटी कॉम्पोनेंट इंडिया कहता है इस केस में इनिशियल रिकोगशन पे डी डिटील बुक होगा क्या बुक होगा तो अगर आप देखेंगे तो लाइबिलिटी के केस में अगर टैक्स बेस ज़्यादा है तो क्या बनता है डी तो आप एक लाख के ऊपर अगर तीस परसेंट है तीस हजार डी बनाएंगे और ये डेबिट कहाँ से होगा रिजर्व से क्यों क्योंकि इसका कारण है ये इक्विटी तो इफेक्टिवली इक्विटी सत्तर हज़ार से बुक होगी फिर आने वाले सालों में आप क्या करोगे इंटरेस्ट रेट ज़्यादा बुक करोगे तो खर्चा चार लाख से ज्यादा होगा ब्याज कम पे होगा और हौले हौले ये चार लाख पाँच लाख तक पहुंच जाएगा और ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो हौले हौले आपका डी रिवर्स होते बिजनेस कॉम्बिनेशन में क्योंकि आप जब पहली बार कोई कंपनी एक्वायर करते हैं तो उसकी सारी एसेट्स फेयर वैल्यू पर लिखे हो सकता है कि इनकम टैक्स उसका जो पुराना कैरिंग अमाउंट सामने आलें की बुक्स में चल रहा है उसी को अलाउ करे खासतौर पे कंसोलिडेशन में ऐसी होगा कि जो सब्सिडी की बुक्स में कॉस्ट आ रही है उसी को इनकम टैक्स का टैक्स बेस माना जाएगा क्या हो सकता है टैक्स बेस कुछ और भी ऐसी सिचुएशन में डिफरेंस आएगा इनिशियल रिकोगनीशन पे ही, क्योंकि कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट पहली बार आप बनाओगे तो आपका क्या रिंग अमाउंट होगा फेयर वैल्यू पर टैक्स में अग् चीज आपको डिडक्टेबल मिलेगी तो इंडेस कहता है इसमें जो डिफरेंस है इसके ऊपर डी टी बनाया जाएगा भले ये इनिशियल रिकोगनीशन का डिफरेंस है पर बिजनेस कॉम्बिनेशन के इनिशियल रिकोगशन के डिफरेंस पर डीटीए डीटीएल बनाया जाए वील हैव टू क्रिएट अ डी टी ऑन इट और वो आगे रिवर्स भी होगा अगर गुडविल क्रिएट हुई है बिजनेस कॉम्बिनेशन में तो आप समझ लीजिए कि गुडविल का एक कैरिंग अमाउंट है लच से सौ की गुडविल आई है सवाल इसका कि टैक्स बेस क्या होगा इंडिया में गुडविल अब नॉन टैक्स डिडक्टेबल है इसका मतलब फ्यूचर में डिडक्शन जीरो मिलेगा तो एन एल हो गया असेट के केस में अगर कैरिंग अमाउंट ज्यादा होता है टैक्स बेस से तो उस केस में इसे टैक्सेबल टेम्प्रेरी डिफरेंस मानते हैं हेंस इस पर डिटीएल बनना चाहिए जो नहीं बनेगा क्योंकि पैरा फिफ्टीन में साफ साफ कहा गया है कि गुडविल के इनिशियल रिकोगशन पर डी क्रिएट नहीं पैरा ट्वेंटी फोर में डी टी बन सकता था पर वो बनने की संभावना ही नहीं है क्यों नहीं है सिंपल रीज़न है उसका क्यों क्योंकि आपका टैक्स बेस जीरो है क्योंकि डिडक्शन ऑफ इंडिया में मिलना ही नहीं है तो अगर टैक्स बेस जीरो है तो डी टी बन ही नहीं सकता पर सपोज कभी ऐसा होता कि टैक्स बेस या वन फिफ्टी होता तो देन डेफिनेटली फिर उसके बाद उस पर्टिकुलर केस में आप फिफ्टी के ऊपर डी टी ए क्रिएट कर सकते थे और आपको करना पड़ता पर वो सिचुएशन इंडिया में क्रिएट नहीं होती कोई कंपनी आपने खरीदी और उसके एक्यूमिलेटेड लॉसेज है आपको उम्मीद है आगे सेट ऑफ कर लेंगे आप डी बना लीजिए उससे नेट आइडेंटिफाइबल असेट बढ़ जाएगी गुडविल कम जाएगी पर एचिए फॉर एग्जाम्पल मैं एक लॉस मेकिंग कंपनी और मैंने एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी खरीदी उसके प्रॉफिट से मैं मेरे भी लॉस को अब क्या कर पाऊंगा सेट ऑफ कर पाऊंगा फ्यूचर में इस पर मैं अभी डी नहीं बना रहा था क्योंकि सर्टोनिटी नहीं थी अब बनाना चाहता हूँ बना लीजिए पर यह आप अपनी बुक से बनाइएगा ये एक्विजिशन के कारण ये डी बनाया इस कारण से सब्सिडी की वैल्यू बढ़ गई ऐसा करना अलाउड नहीं होगा यानी सिंथल सी बात है कि किसी के भी कैरिड फॉरवर्ड लॉस पे डी बनाना है तो जिसके कैरिड फॉरवर्ड लॉस हैं वो उसके रिस्पेक्ट में डीटीए बनेगा तो मैंने कंपनी खरीदी उसके कैरिड फॉरवर्ड लॉस पे डीटीए बना रहा हूँ तो वो डी टी ए खरीदी उससे रिलेटेड है यानी नेट आइडेंटिफाइबल एसेट का बात पर कंपनी खरीदने से मेरे लॉसेस का आगे सेट ऑफ मिलेगा तो मैं अपनी बुक्स में डी जो क्रिएट करूंगा वो डी का इम्पैक्ट मैं मेरी बुक्स में लेकर आऊँगा कन्फ्यूजिंग हो गया अरे ये ऐसे बहुत टिपिकल डिस्कशन है ज्यादा समझना है तो ये देख लो चलो एक्यूमलेटेड लॉसेज एकवायरी के हैं कन्विंसिंग एविडेंस है डी बना दो जो आपने सब्सिडरी खरीदी उसके एक्यूमलेटेड लॉसेज में ही आपका मेन इंटरेस्ट था रिलायंस जैसी बहुत कंपनियां खरीदता है उसके लॉस अपने प्रॉफिट से सेट ऑफ से करके टैक्स बचा लेता है उस कंपनी के ऐसे भी एक्यूमलेटेड लॉसेज खत्म हो गई कंपनी तो उसके कोई काम आने नहीं वाले थे हो सकता है उसके पास सौ करोड़ के एक्ूमेलेटेड टैक्स लॉसेज है मैंने वो कंपनी पाँच करोड़ में खरीद ली और कोई उसकी एसेट थी नहीं थोड़ा बहुत बिजनेस था बस मुझे क्या फ़ायदा होगा मुझे तीस करोड़ रुपए की सीधी सीधी क्या मिल जाएगी या पच्चीस परसेंट अगर टैक्स है तो मेरे इनकम से मैं सौ करोड़ का टारगेट कंपनी का एक्यूमलेटेड लॉस सेट ऑफ करके पच्चीस करोड़ का टैक्स बचा लूंगा तो आप ट्वेंटी फाइव करोड़ उसकी एसेट मान सकते हो और इसे नेट आइडेंटिफाइबल एसेट का पार्ट मान सकते हो पर मेरी कंपनी है एक लॉस मेकिंग कंपनी जिसका मतलब क्या है लच्चे फॉर एग्जाम्पल अन अकेडमी अ कंपनी विच इज मेकिंग लॉस और इसने क्या किया लच्चे फॉर एग्जाम्पल इट इज एक्वायर्ड प्रेप लैडर करके एक मेडिकल प्रिपरेशन की कंपनी है जो प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है उसे एक्वायर किया वो प्रॉफिट कमा ली अब अन अकेडमी के सौ करोड़ के लॉसेस थे जो डूब जाते और अब ये जो कंपनी एक्वायर की है इसकी प्रॉफिट इतने शानदार हैं और इसको मैंने अपनी कंपनी में एब्जॉर्ब कर लिया अब क्या होएगा मेरी कंपनी लॉस से प्रॉफिट में आ गई उसके कारण इससे मेरे एक्यूमलेटेड लॉस भी सेट ऑफ होंगे तो अब मैं इस पर डी बनाना चाहता हूँ तो बना लो कोई दिक्कत नहीं है पर आप ये मत मानना कि वो जो प्रेबलेटर कंपनी खरीदी है ना उसकी एसेट्स में मैं क्योंकि मेरे लॉस अब सेट ऑफ होने के काबिल हो गए हैं तो मैं थर्टी करोड़ या ट्वेंटी फाइव करोड जो भी आपका टैक्स रेट के अकॉर्डिंगली डी बनता है मैं ये मानूँ कि वो सब्सिडी की एसेट है ये उसके लॉस नहीं है तो ये उसकी एसेट नहीं है तो उसकी एसेट्स में आप किसी भी प्रकार का क्योंकि उसका एक्ूमलेटेड लॉस नहीं है इसलिए आप डीटीए बुक नहीं कर पाओगे तो नेट आइडेंटिफाइबल एसेट निकालते समय गुडविल निकालते समय डीटीए नहीं आएगी ये बताना चाह रहा हूं चलिए कंसोलिडेशन के केस में सिंपल ध्यान रखिएगा कि इनिशियल रिकग्निशन पे जो भी डिफरेंस आएंगे उसके ऊपर डीटीए डिटेल बनेगा आगे रिवर्स भी होगा गुडविल छोड़ के अगर आपकी कंपनी मैट के अंतर्गत आती है तो सारा कैलकुलेशन डीटीए डिटेल का नॉर्मल जैसा करना सिर्फ आखिर में करंट टैक्स पेबल जो निकालते हो उसमें आप करंट टैक्स भी नॉर्मल टैक्स रेट से नॉर्मली निकालना सिर्फ इतना सा करना है आपको कि इस साल मैट के कारण आपको कितना ज़्यादा पे करना है वो जो ज़्यादा पे करना है वो आपकी लाइबिलिटी बढ़ा देगा टू प्रोविजन फॉर टैक्स या टू कैश और उसे डेबिट कर देना है डी टी एम ए मैड क्रेडिट रिसबल तो मैड क्रेडिट रिसिबल बुक करने से ना तो आपका टैक्स रेट चेंज होगा करंट टैक्स चेंज होगा या डिफॉल्ट टैक्स चेंज होगा सिर्फ आप यूँ मानना कि ये इस साल एक्स्ट्रा पे किया आने वाले सालों में सेट ऑफ कर लूंगा जब मेरी मैट के बाहर लाइबिलिटी आ जाएगी तो आप अभी सिर्फ इसे एक एडवांस टैक्स पेड के एंट्री की तरह करोगे पर डी में बुक करोगे इंटर ग्रुप टन ट्रांसफर्स होते हैं कंसॉलिटेशन में डिस्कस करते हैं तो समझिए कि सपोज़ फॉर एक्जाम्पल पेरेंट ने सब्सिडी को सौ रुपये के गुड्स एक सौ पचास पर बेचे और ये सब्सिडी के अभी भी गोडाउन में रखे हुए हैं एक सौ पचास के गुड्स तो हम क्या करते हैं कंसॉलिटेशन जब करते हैं तो पेरेंट के प्रॉफिट्स जो बुक हुए थे फिफ्टी के उसे रिवर्स करते हैं तो हम क्या करेंगे स्टॉक को फिफ्टी से कम करेंगे कंसॉलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एडजस्टमेंट में और अभी तक क्या करते थे पेरेंट के प्रॉफिट को पचास से कम करते थे पर आप समझ लीजिए कि टैक्स बेस तो इसका ग्रुप के लिए 150 है क्योंकि अब आप इसे 150 में बेचोगे तो इनकम टैक्स में आपको और टैक्स देने की जरूरत नहीं पड़ेगी तो टैक्स बेस 150 है पर कैरिंग अमाउंट स्टॉक का 100 हो गया तो असेट के केस में अगर टैक्स बेस ज़्यादा है तो डी बनता है तब आप क्या करोगे आपको डी क्रिएट करना पड़ेगा अगर थर्टी आपका टैक्स रेट है तो पंद्रह का तो इस कारण से इफेक्टिवली डी अगर बढ़ेगा तो पेरेंट के जो आपके इफेक्टिवली प्रॉफिट कम होंगे वो थर्टी फाइव से ही कम होंगे और सही भी है क्योंकि पेरेंट ने पचास का प्रॉफिट बुक किया था तो उस पर पंद्रह टैक्स भी दिया तो उसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स थर्टी फाइव से ही बड़ा होगा तो उतने से ही कम होगा टैक्स हॉलीडे का एग्जाम्पल ले लिया जो टाइमिंग डिफरेंस टैक्स हॉलीडे में क्रिएट हो रहे हैं उस पर डीटीए डिटेल बनाना अगर वो डिफरेंस रिवर्स उस साल में होंगे जिस साल में आप टैक्स हॉलीडे से बाहर आ जाओ पीफो बेसिस पे कभी कोई कंपनी का टैक्स स्टेटस चेंज हो गया जैसे कि आप लेट्स से अभी प्राइवेट लिमिटेड और लिमिटेड कंपनीज पे अलग अलग टैक्स रेट्स हैं अब आप प्राइवेट से लिमिटेड हो गए तो अब आपकी ऑब्वियस सी बात है सारे डी टी ए डिटेल चेंज करना पड़ेंगे क्योंकि सबकी टैक्स रेट नहीं हो गई तो जहाँ से आपने डी टी ए डिटेल बुक किया था अगर ओ सी आई से किया था तो जितना आपका डी टी ए डिटेल बढ़ रहा है उधर से ही आप क्या करेंगे उसे इस सियाल में बुक करेंगे इसका मतलब यह है कि सपोज ऐसा होता नहीं है इंडिया में बट समझाने के लिए एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पर ट्वेंटी फाइव परसेंट टैक्स रेट है अब मैं लिस्टेड हो गया तो लिस्टेड पे सपोज सरकार ने थर्टी परसेंट टैक्स कर रखा है तो ट्वेंटी फाइव की जगह थर्टी यानी कि एक तरह से देखा जाए तो बीस परसेंट मेरी टैक्स लाइबिलिटी बढ़ गई तो जितने डिफर्ट टैक्स असेट लाइबिलिटी है फ्यूचर में टैक्स होंगे ये सब बीस बीस परसेंट से बढ़ाना पड़ेंगे क्योंकि फ्यूचर टैक्स रेट लेनी तो बस सिंपल सी बात है कि अब आप क्या करना आपकी जो भी ओपनिंग डीटी डीटील है ये सब आपको चेंज करना पड़ेंगे ट्वेंटी से बढ़ाना पड़ेंगे तो ये बढ़ाओ तो रिजर्व से मत बढ़ाना प्रॉफिट प्योरल से ही बढ़ाओगे हाँ पर कोई डी अगर एवेल्यूएशन गेन का था इसलिए ओ से बुक हुआ था या कोई डी टी से बुक हुआ था तो अकॉर्डिंगली जो ये ट्वेंटी परसेंट इंक्रीमेंट आएगा वो भी ओ से बुक करोगे ऐसे फॉरन ऑपरेशन में नॉर्मल अकाउंटिंग होगी फर्स्ट टर्मड ऑप्शन वन 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 जीरो वन का पॉइंट है ये मैंने बहुत ही क्विकली आपको स्पेशल इश्यूज़ एक बार डिस्कस करके बता दिए इन सब के अलावा लीज और हिसाब्स के कुछ डिस्कशन बता देते हैं एमटाइज पास मेथड बता देते हैं ध्यान रखना दोस्तों अमोटाइज कॉस्ट मेथड का कोई भी क्वेश्चन आता है डिटेल डिटेल का तो पहले आप क्या करना जैसे कि ए, आपको सपोज कहा गया है कि हमारा एक सौ रुपये की लोन है जिसपे एक रुपये की प्रोसेसिंग कॉस्ट है तो फाइनेंशियल लाइबिलिटी आप नाइन्टी नाइन से बुक करोगे आपका अमोटाइज कॉस्ट मेथड में टेबल नाइन्टी नाइन से शुरू होगा से आपने ये लोन लिया था टेन परसेंट पे पर आपका इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट टेन परसेंट से थोड़ा सा ज़्यादा आएगा ताकि आखिरी में ये बढ़ के सौ हो जाए तो आप हर ईयर एंड पे इसका कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस सौ लेना और जो भी डिफरेंस है उस पर डिटेल बना लेना लीज असेट में हो सकता है इनकम टैक्स में सिंपल जो लीज रेंटल पेबल है वो डिडक्शन मिल रहा है वहां कोई कॉन्सेप्ट नहीं है असेट डेप्रिसिएशन और इनका जबकि लेसी अपनी बुक्स में राइट ऑफ यूज सेट और लीज लाइब्रिटी दोनों बुक करता है पिंडेज आपको कहता है कि आप लेसी की बुक्स में जितने का राइट ऑफ यूज असेट है जितने की लाइबिलिटी है इन दोनों को नेट असेट या लाइबिलिटी कितने की है वो और उसका टैक्स बेस जीरो उस हिसाब से डीटीए डिटेल हर साल बुक कर हिसाब के केस में क्योंकि हिसाब का एक्सपेंस पीआरएल से बुक करते हो पर क्रेडिट एस बी पी रिजर्व में करते हो इसलिए उसका इंपैक्ट इक्विटी पे जा रहा है हेंस उस पर कोई डीटीए डिटेल नहीं बने बट क्योंकि इनकम टैक्स में हिसाब का अगर डिडक्शन आपको मिलेगा टेक्निकली स्पीकिंग कहीं ना कहीं आपको आगे जाके टैक्स में फायदा तो होने वाला है फायदा कब होता है तो नॉर्मली इनकम टैक्स में रूल ये होता है कि जब हिसाब एक्सरसाइज होते हैं ना उस समय इंट्रेंसिक वैल्यू के बराबर का आपको डिडक्शन दे देते तो जैसे मैंने एम्प्लॉई को बोला कि तीस रुपये में तो ये शेयर मिलेगा और जब उसने एक्सरसाइज किया तब तो मार्केट वैल्यू पचास रुपये थी तो एक शेयर पे बीस रुपये का मुझे एक्सपेंस इनकम टैक्स में डिडक्ट करने को मिलेगा पर ये बीस रुपये का डिडक्शन इनकम टैक्स देगा कब मुझे जब वो एक्सरसाइज करेगा पर मैं एम्प्लॉय को एक्सरसाइज कब करने दूंगा जब वो इतने साल काम करेगा तो क्योंकि पूरा ईसॉब मैचिंग प्रिंसिपल पर बेस्ड है कि भाई आप एम्प्लॉय से तीन साल काम करा के हिसाब दे रहे हो तो खर्चा तीन साल में बुक करो उस कारण से आपको उसका टैक्स बेनिफिट भी तीन सालों तक बुक करते रहना पड़ेगा तो ये एग्जाम्पल देखिए एक चार बाईस तीन साल का मैंने हिसाब दिया पचास एक्सरसाइज प्राइस पे आप ईसॉप शेयर्स खरीद सकते थे जिसकी फेयर वैल्यू आज ही फोर्टी है

का डिडक्शन आज नहीं मिलेगा जब एम्प्लॉय तीन साल काम करेगा फिर मिलेगा तो इसे अपन तीन साल में एलोकेट करेंगे तो फर्स्ट ईयर में आपका टैक्स बेस होगा थर्टी इन टू वन बाई थ्री विच ये आपका टैक्स बेस है सेकेंड ईयर में नाइन्टी हो गया जिसका आप टू थर्ड टैक्स बेस क्लेम कर लो और थर्ड ईयर में वन जीरो एक्सरसाइज होगा तो इतने का डिडक्शन मिलेगा ये आपका टैक्स बेस है कैरिंग अमाउंट हर बार जीरो है भले ही आप हर साल एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस का खर्चा बुक कर रहे हो पर ये एसबीपी रिजर्व में जा रहा है, और असेड लाइबिलिटी पे ही टाइमिंग डिफरेंसेस कैलकुलेट होते हैं रिजर्व पे नहीं होते ये खर्चा प्योर आपकी ग्रांडेड की वैल्यू के ऊपर बेस पंद्रह 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 बुक होगा तो इससे कोई मतलब नहीं है हमारा डेफर्ट टैक्स के ऊपर तो हम ये बोलेंगे कि ईयर बिगनिंग पे कोई टैक्स नहीं है यहाँ पे क्योंकि आगे जाके इनकम टैक्स में मुझे दस का डिडक्शन मिलेगा तो टैक्स मेरा बचेगा तो इसे टैक्सेबल टेम्पररी या डिडक्टेबल तो बेसिक प्रिंसिपल के अनुसार ये डिडक्टेबल टेम्प्रेरी डिफरेंस है तो ये डिडक्टेबल टेन का है इसके ऊपर तीन का डीटीए बनना चाहिए इसके ऊपर एटीन तीन बना हुआ है तो इस साल फिफ्टीन पहले साल थ्री फिर ये वन तो इस पर थर्टी परसेंट से थर्टी तो थर्टीन टोटल इतना बन जाए इससे आपके डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस कम हो रहे इतने से तो आपकी जर्नल एंट्री हो रही है डीटर्टैक्स एक्सपेंस थ्री फिफ्टीन एंड थर्टीन पॉइंट फाइव और फिर फाइनली फोर्थ ईयर बिगनिंग में जब वो एक्सरसाइज कर लेगा तो उस साल आपकी टैक्स लाइबिलिटी एक्चुअल में कम होगी करंट टैक्स एक्सपेंस कम होगा क्योंकि आप उत्ते का डिडक्शन लोगे पर ये उस साल का फायदा नहीं है पिछले तीन सालों का तो जो डीटीए आपने बनाया है वो रिवर्स होगा तो उस साल आपका टैक्स एक्सपेंस बढ़ जाएगा कौन सा जा वाला डेफर्ट टैक्स और करंट टैक्स कम हो जाएगा तो ये सेट ऑफ तो ये अपने स्पेशल प्रोविजंस है बहुत इक्विटी मैंने रिवाइज किया होप दिस इज हेल्पफुल दिस कंप्लीट डिस्कशन ऑन डेज ट्वेल्थ